दीवार मूवी के फैक्टो रिव्यूज़। दीवार 1975 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन स्टंट फिल्म है। यह यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित और सलीम खान जावेद द्वारा लिखित है। इसमें शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, नीतू सिंह, निरूपा रॉय और परवीन बॉबी हैं। फिल्म गरीब भाइयों की एक जोड़ी की कहानी बताती है जो अपने पिता के गलत आदर्शवाद के कारण अपने परिवार को धोखा देने के लिए बॉम्बे की मलिन बस्तियों में जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं और अंततः खुद को कानून के विरोधी पक्ष में पाते हैं। शीर्षक की दीवार वह दीवार है जो सामाजिक राजनीतिक उथल पुथल के समय में भाग्य और परिस्थितियों के कारण दो भाइयों के बीच उभरी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं यश चोपड़ा। यह फिल्म सलीम जावेद द्वारा लिखित है। इस फिल्म की उत्पादकता की है गुलशन रॉय ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, नीतू सिंह, निरूपा रॉय, परवीन बॉबी ने। इस फिल्म का छायांकन किया है केसी ने। यह फिल्म टी आर मंगेशकर प्राण मेहरा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां त्रिमूर्ति फिल्म प्राइवेट लिमिटेड है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 24 नवंबर 1975 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 176 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। बॉलीवुड में इसका बजट 36 करोड़ और यूएस में 4.6 मिलियन के बराबर रहा है और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कमाई 210 करोड़ रुपए और यूएस में 26 मिलियन के बराबर रहा है। रिलीज होने पर दीवार समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल रही है। फिल्म की पटकथा, कहानियों, संगीत के साथ साथ अभिनय कलाकारों के प्रदर्शन, विशेष रूप से बच्चन कपूर और रॉय के प्रदर्शन की प्रशंसा की है। इसे अक्सर एक अभूतपूर्व सिनेमाई उत्कृष्ट कृति माना जाता है। इंडिया टाइम्स ने दीवार के शीर्ष 25 अवश्य देखे जाने बॉलीवुड फिल्मों के स्थान दिए हैं। साथ ही यह 1001 फिल्मों की सूची में शामिल होने वाली हिंदी भाषा की फिल्मों में से एक है जिन्हें आपको अवश्य देखना चाहिए। बनने से पहले फिल्म का भारतीय सिनेमा के साथ साथ व्यापक भारतीय समाज पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। फिल्म की सत्ता विरोधी विषय और बच्चन का आपराधिक नायक विरोधी सतर्क चरित्र दर्शकों के बीच गूंजता रहा है, जिसमें बच्चन की लोकप्रिय छवि एंग्री यमन के रूप में मजबूत हुई है। बॉलीवुड सिनेमा का फोर्ब्स ने फिल्म में बच्चन के प्रदर्शन को भारतीय सिनेमा के 25 महानतम अभिनय प्रदर्शन की सूची में शामिल किया है। इस फिल्म ने लेखक सलीम जोड़ी की सफलता को भी मजबूत किया है, जिन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में लिखी, लेकिन सलीम जावेद की बदौलत फिल्म लेखकों का मूल्य आसमान छू गया, जिन्हें उस समय की प्रमुख अभिनेताओं के बराबर ही भुगतान किया जाता है। दीवार का प्रभाव विश्व सिनेमा तक भी फैला है, जिसने हांगकॉन्ग और ब्रिटिश सिनेमा की फिल्मों को प्रभावित किया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म की शुरुआत ट्रेड यूनिवर्सिटीवादी आनंद वर्मा के मजबूत नेतृत्व के चित्रण से होती है, जो संघर्षरत मजदूरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। वह अपनी पत्नी सुमित्रा देवी, अपने दो छोटे बेटों विजय और रवि के साथ एक साधारण घर में रहते हैं। हालांकि चीज़ें तब और ख़राब हो जाती हैं जब आनंद को एक भ्रष्ट व्यवसायी द्वारा ब्लैकमेल किया जाता है, जो आनंद को अपनी विरोधी गतिविधियों को बंद नहीं करने पर उसके परिवार को मारने की धमकी देता है। अनुपालन के समय मजबूर होने पर आनंद पर उन्हीं मजदूरों द्वारा हमला किया जाता है जो उसके विश्वासघात के लिए उसका मजाक उड़ाते हैं, जो इस बात से अनजान है कि ऐसा करने के लिए उन्हें ब्लैकमेल किया गया था। उनके परिवार पर भी नाराज कार्यकर्ताओं के अत्याचार किया है। शर्म के मारे आनंद ने शहर छोड़ दिया और सुमित्रा को गरीबी में अकेले अपने बेटों की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया। मेरा बाप चोर है यह नहीं पता और क्या करना है, सुमित्रा अपने बच्चों को मुंबई ले जाती और अपने बेटों की देखभाल के लिए दिहाड़ी मजदूर के रूप में संघर्ष करती है। जैसे जैसे लड़के बड़े होकर युवा बनते हैं, विजय अपने पिता की विफलता के प्रति तीव्र जागरूकता के साथ बड़ा होता है, क्योंकि वह अपने पिता की कथित कुकर्मों का शिकार बनाया गया था।
अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रक्रिया में विजय एक बूथ पॉलिशर्स के रूप में शुरुआत करता है, बाद में एक डाइकोट कार्यकर्ता बन जाता है। जब विजय पूर्व अपराधी सामंत के लिए काम करने के लिए अपने टहों की पिटाई करता है, तो यह सामंत के प्रतिद्वंदी में से एक मुल्क राज डॉक को विजय को अपने आंतरिक घेरे में लाने के लिए प्रभावित करता है। जब विजय डावर के प्रति सामंत के कई सामानों को पकड़ने के लिए सफलतापूर्वक करा लेता है, तो सामंत उसे पैसे से पुरस्कृत करता है, जिससे विजय को अपने परिवार के लिए आलीशान घर खरीदने की अनुमति मिलती है। डावर के लिए अपने काम को जारी रखने के लिए विजय अपनी शिक्षा का भी त्याग कर देता है ताकि रवि पढ़ाई कर सके। जैसे ही रवि ने पढ़ाई पूरी की है, तो पुलिस कमिश्नर DCP नारंग की बेटी वीरा नारंग को डेट करना शुरू कर दिया है। कमिश्नर के सुझाव पर पुलिस रवि में रोजगार के लिए आवेदन करता है। उसे प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है और कई महीने बाद उसे पुलिस द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। और जब इंस्पेक्टर का पद प्राप्त होता है, तब रवि लौटता है और अपना पहला काम बॉम्बे के लिए कुछ कट्टर अपराधियों को तस्करों को पकड़ना और गिरफ्तार करना होता है, जिसमें उसका भाई विजय भी शामिल है। उसे बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि उसने कभी भी अपने भाई को आपराधिक गतिविधियों से नहीं जोड़ा था। रवि को विजय को पकड़ने और पुलिस बल छोड़ने के बीच निर्णय लेना होगा। सबसे पहले रवि अपने भाई को गिरफ्तार करने के लिए हिचकिचाता है, लेकिन बाद में वह तब द्रवित हो जाता है जब दो रोटियां चुराने वाले एक लड़के को गोली मार देता है। उसे पकड़ने की कोशिश में जब पछतावाग्रस्त रवि लड़के के परिवार के पास जाता है, तो उन्हें कुछ खाना देता और अपना अपराध कबूल करता है। तो माँ रवि को डांटती है, जबकि लड़के के पिता उसे कमरे में वापस भेज देता है। पिता रवि को माफ़ कर देते हैं और अपने कर्तव्य को यह कहकर उचित ठहराते हैं कि लाख या भोजन की चोरी एक ही है, जो अंततः रवि को मामला उठाने के लिए सहमत होने के प्रेरित करता है। जब रवि को पता चलता है कि विजय ने अपराध से धन अर्जित किया है, तो उसने सुमित्रा के साथ बाहर जाने का फैसला किया है, जिससे विजय और रवि के बीच झगड़ा शुरू हो गया है। लगभग उसी समय आनंद एक ट्रेन के अंदर मृत पाया जाता है और अपने शरीर का अंतिम संस्कार विजय द्वारा किया जाता है। रवि अब सामंत और डावर दोनों गिरोह को एक सहयोगियों को मारने और गिरफ्तार करने में अपना कार्य पूरा करने का अवसर देता है। यहाँ तक कि डावर को भी रवि द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और अपने परिवार और अपने कई सहयोगियों को खोने के क्रोधित होकर विजय अनीता नाम की एक महिला के साथ रिश्ते में प्रवेश करता है, जिससे उसकी मुलाकात एक बार में होती है। जब अनीता विजय के बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है, तो विजय अंडरवर्ल्ड में अपना जीवन त्यागने का फैसला करता है ताकि वह उससे शादी कर सके और अपने पापों को स्वीकार कर सके और सुमित्रा और रवि से माफ़ी मांग सके। तथापि सामंत और उसके गिरोह की मौत के बाद जो हुआ उसके बारे में सुनकर रवि अतिम संघर्ष में विजय से मिलता है और उससे भगाने से रोकने को खुद को आत्मसमर्पण करने का अनुरोध करता है। विजय ने मना कर दिया और एक मंदिर की ओर भागते समय रवि द्वारा उसकी बाह में घातक गोली मार दी गई, जहां वह सुमित्रा के साथ फिर से मिला और माफ़ी मांगी। विजय फिर सुमित्रा की बाहों में मर जाता है, जिससे बेहद टूट जाती है। लगभग उसी समय रवि मंदिर पहुंचता है और विजय के साथ जो हुआ उससे वह पूरी तरह से परेशान हो जाता है। फिर फिल्म का अंत पुलिस द्वारा रवि को न्याय दिलाने और अपराधियों को पकड़ने में उसकी सफल कार्यों के लिए उत्सव की मेज़बानी करने के लिए होता है। हालांकि रवि अभी भी विजय की हत्या के लिए पश्चाताप से भरा हुआ है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। रवि वर्मा के रूप में शशि कपूर है और युवा रवि वर्मा के रूप में राजू श्रेष्ठ है। विजय वर्मा के रूप में अमिताभ बच्चन है, अलंका जोशी एज यंग विजय वर्मा। वीरा नारंग के रूप में नीतू सिंह है, सुमित्रा देवी के रूप में निरूपा रॉय है, अनीता के रूप में परवीन बॉबी है, मनमोहन कृष्णा DCP नारंग के रूप में है, सामंत के रूप में मदनपुरी है, इफ्तिखार मुल्कराज टावर के रूप में है, आनंद वर्मा के रूप में सतसिन कप्पू है, जयचंद्र के रूप में सुधीर है, जगदीश राजेश चक्की है, एस राजकिशोर के रूप में दर्पण है, यूनुस परवेश के रूप में रहीम चाचा है, लच्छू के रूप में राजन वर्मा है, डीके शुप्रो श्रीमान के रूप में है। इसके अतिरिक्त विकास आनंद, मोहन शेरी, मानिकी रानी, कमल कपूर, AK हैंगल, दुलारी और सत्यदेव दुबे सभी छोटी सी कमियों
भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। कोई मर जाए गाने में अरुणा ईरानी एक गेस्ट डांसर के तौर पर नजर आती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की उत्पादकता कहानी और पटकथा के विषय में। फिल्म की पटकथा कहानी और संवाद सलीम जावेद द्वारा लिखे गए थे। फिल्म के कथानक के लिए मुख्य प्रेरणा 1961 की दिलीप कुमार की फिल्म गूंगा जमुना 1961 थी, जिसमें कानून के विपरीत पक्षों पर दो भाइयों का एक समान आधार था, जिसमें मुख्य किरदार पर अपराधी भाई था अमिताभ बच्चन की भूमिका आंशिक रूप से महाभारत के कर्ण पर आधारित थी, जबकि शशि कपूर महाभारत के युधिष्ठिर से मिलते जुलते थे। इस प्रकार दीवार को गूंगा जमाना का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना जाता है। सलीम जावेद को श्रेय दिया गया कि गंगा जमुना के साथ साथ महबूब खान और मदर इंडिया दीवार के लिए मुख्य प्रेरणा थी, जिसे उन्होंने अपने विषयों पर अधिक शहरी दीवार मूवी के फैक्टर रिव्यूज। दीवार 1975 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन स्टंट फिल्म है। यह यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित और सलीम जावेद सलीम खान जावेद द्वारा लिखित है। इसमें शशि कपूर अमिताभ बच्चन नीतू सिंह निरूपा रॉय और परवीन बॉबी हैं। फिल्म गरीब भाइयों की एक जोड़ी की कहानी बताती है, जो अपने पिता के गलत आदर्शवाद के कारण अपने परिवार को धोखा देने के लिए बॉम्बे की मलिन बस्तियों में जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं और अंततः खुद को कानून के विरोधी पक्ष में पाते हैं। शीर्षक की दीवार वह दीवार है जो सामाजिक राजनीतिक उथल पुथल के समय में भाग्य और परिस्थितियों के कारण दो भाइयों के बीच उभरी है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं यश चोपड़ा। यह फिल्म सलीम जावेद द्वारा लिखित है। इस फिल्म की उत्पादकता की है गुलशन रॉय ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया शशि कपूर अमिताभ बच्चन नीतू सिंह निरूपा रॉय परवीन बॉबी ने। इस फिल्म का छायाकान किया है केसी ने। यह फिल्म टी आर मंगेशकर प्राण मेहरा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म प्राइवेट लिमिटेड है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 24 नवंबर 1975 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 176 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। बॉलीवुड में इसका बजट 36 करोड़ और US में 4.6 मिलियंस के बराबर रहा है और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कमाई 210 करोड़ रुपए और US में 26 मिलियंस के बराबर रहा है। रिलीज होने पर दीवार समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल रही है। फिल्म की पटकथा कहानियों संगीत के साथ साथ अभिनय कलाकारों के प्रदर्शन विशेष रूप से बच्चन कपूर और रॉय के प्रदर्शन की प्रशंसा की है। इसे अक्सर एक अभूतपूर्व सिनेमाई उत्कृष्ट कृति माना जाता है। इंडिया टाइम्स ने दीवार के शीर्ष 25 अवश्य देखे जाने बॉलीवुड फिल्मों के स्थान दिए हैं। साथ ही यह 1001 फिल्मों की सूची में शामिल होने वाली हिंदी भाषा की फिल्मों में से एक है, जिन्हें आपको अवश्य देखना चाहिए। बनने से पहले फिल्म का भारतीय सिनेमा के साथ साथ व्यापक भारतीय समाज पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। फिल्म की सत्ता विरोधी विषय और बच्चन का आपराधिक नायक विरोधी सतर्क चरित्र दर्शकों के बीच गूंजता रहा है, जिसमें बच्चन की लोकप्रिय छवि एंग्री यमन के रूप में मजबूत हुई है। बॉलीवुड सिनेमा का फोबस ने फिल्म में बच्चन के प्रदर्शन को भारतीय सिनेमा के 25 महानतम अभिनय प्रदर्शन की सूची में शामिल किया है। इस फिल्म ने लेखक सलीम जोड़ी की सफलता को भी मजबूत किया है, जिन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में लिखी, लेकिन सलीम जावेद की बदौलत फिल्म लेखकों का मूल्य आसमान छू गया, जिन्हें उस समय की प्रमुख अभिनेताओं के बराबर ही भुगतान किया जाता है। दीवार का प्रभाव विश्व सिनेमा तक भी फैला है, जिसने हांगकॉन्ग और ब्रिटिश सिनेमा की फिल्मों को प्रभावित किया। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म की शुरुआत ट्रेड यूनिवर्सिटीवादी आनंद वर्मा के मजबूत नेतृत्व के चित्रण से होती है, जो संघर्षरत मजदूरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। वह अपनी पत्नी सुमित्रा देवी अपने दो छोटे बेटों विजय और रवि के साथ एक साधारण घर में रहते हैं। हालांकि चीज़ें तब और ख़राब हो जाती हैं जब आनंद को एक भ्रष्ट व्यवसायी द्वारा ब्लैकमेल किया जाता है, जो आनंद को अपनी विरोधी गतिविधियों को बंद नहीं करने पर उसके परिवार को मारने की धमकी देता है। अनुपालन के समय मजबूर होने पर आनंद पर उन्हीं मजदूरों द्वारा हमला किया जाता है, जो उसके विश्वासघात के लिए उसका मजाक उड़ाते हैं।
जो इस बात से अनजान है कि ऐसा करने के लिए उन्हें ब्लैकमेल किया गया था। उनके परिवार पर भी नाराज कार्यकर्ताओं के अत्याचार किया है। शर्म के मारे आनंद ने शहर छोड़ दिया और सुमित्रा को गरीबी में अकेले अपने बेटों की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया। मेरा बाप चोर है यह नहीं पता और क्या करना है। सुमित्रा अपने बच्चों को मुंबई ले जाती और अपने बेटों की देखभाल के लिए दिहाड़ी मजदूर के रूप में संघर्ष करती है। जैसे जैसे लड़के बड़े होकर युवा बनते हैं, विजय अपने पिता की विफलता के प्रति तीव्र जागरूकता के साथ बड़ा होता है, क्योंकि वह अपने पिता की कथित कुकर्मों का शिकार बनाया गया था। अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रक्रिया में विजय एक बूट पॉलिशर्स के रूप में शुरुआत करता है, बाद में एक डायकोर कार्यकर्ता बन जाता है। जब विजय घोर अपराधी सामंत के लिए काम करने के लिए अपने टकों की पिटाई करता है तो यह सामंत के प्रतिनिधि में से एक मुल्क राज डबर को विजय को अपने आंतरिक घेरे में लाने के लिए प्रभावित करता है। जब विजय डावर के प्रति सामंत के कई सामानों को पकड़ने के लिए सफलतापूर्वक करा लेता है तो सामंत उसे पैसे से पुरस्कृत करता है, जिससे विजय को अपने परिवार के लिए आलीशान घर खरीदने की अनुमति मिलती है। डावर के लिए अपने काम को जारी रखने के लिए विजय अपनी शिक्षा का भी त्याग कर देता है ताकि रवि पढ़ाई कर सके। जैसे ही रवि ने पढ़ाई पूरी की है तो पुलिस कमिश्नर DCP नारंग की बेटी वीरा नारंग को डेट करना शुरू कर दिया है। कमिश्नर के सुझाव पर पुलिस रवि में रोजगार के लिए आवेदन करता है, उसे प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है और कई महीने बाद उसे पुलिस द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। और जब इंस्पेक्टर का पद प्राप्त होता है तब रवि लौटता है और अपना पहला काम बॉम्बे के लिए कुछ कट्टर अपराधियों को तस्करों को पकड़ना और गिरफ्तार करना होता है, जिसमें उसका भाई विजय भी शामिल है। उसे बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि उसने कभी भी अपने भाई को आपराधिक गतिविधियों से नहीं जोड़ा था। रवि को विजय को पकड़ने और पुलिस बल छोड़ने के बीच निर्णय लेना होगा। सबसे पहले रवि अपने भाई को गिरफ्तार करने के लिए हिचकिचाता है, लेकिन बाद में वह तब द्रवित हो जाता है जब दो रोटियां चुराने वाले एक लड़के को गोली मार देता है। उसे पकड़ने की कोशिश में जब पछतावाग्रस्त रवि लड़के के परिवार के पास जाता है तो उन्हें कुछ खाना देता और अपना अपराध कबूल करता है। तो माँ रवि को डांटती है, जबकि लड़के के पिता उसे कमरे में वापस भेज देता है। पिता रवि को माफ़ कर देते हैं और अपने कर्तव्य को यह कहकर उचित ठहराते हैं कि लाख या भोजन की चोरी एक ही है, जो अंततः रवि को मामला उठाने के लिए सहमत होने के प्रेरित करता है। जब रवि को पता चलता है कि विजय ने अपराध से धन अर्जित किया है तो उसने सुमित्रा के साथ बाहर जाने का फैसला किया है, जिससे विजय और रवि के बीच झगड़ा शुरू हो गया है। लगभग उसी समय आनंद एक ट्रेन के अंदर मृत पाया जाता है और अपने शरीर का अंतिम संस्कार विजय द्वारा किया जाता है। रवि अब सामंत और डावर दोनों गिरोह को एक सहयोगियों को मारने और गिरफ्तार करने में अपना कार्य पूरा करने का अवसर देता है। यहाँ तक कि डावर को भी रवि द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और अपने परिवार और अपने कई सहयोगियों को खोने के क्रोधित होकर विजय अनीता नाम की एक महिला के साथ रिश्ते में प्रवेश करता है, जिससे उसकी मुलाकात एक बार में होती है। जब अनीता विजय के बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है तो विजय अंडरवर्ल्ड में अपना जीवन त्यागने का फैसला करता है ताकि वह उससे शादी कर सके और अपने पापों को स्वीकार कर सके और सुमित्रा और रवि से माफ़ी मांग सके। तथापि सामंत और उसके गिरोह की मौत के बाद जो हुआ उसके बारे में सुनकर रवि अतिम संघर्ष में विजय से मिलता है और उससे भगाने से रोकने को खुद को आत्मसमर्पण करने का अनुरोध करता है। विजय ने मना कर दिया और एक मंदिर की ओर भागते समय रवि द्वारा उसकी बाह में घातक गोली मार दी गई, जहां वह सुमित्रा के साथ फिर से मिला और माफ़ी मांगी। विजय फिर सुमित्रा की बाहों में मर जाता है, जिससे बेहद टूट जाती है। लगभग उसी समय रवि मंदिर पहुंचता है और विजय के साथ जो हुआ उससे वह पूरी तरह से परेशान हो जाता है। फिर फिल्म का अंत पुलिस द्वारा रवि को न्याय दिलाने और अपराधियों को पकड़ने में उसकी सफल कार्यों के लिए उत्सव की मेज़बानी करने के लिए होता है। हालांकि रवि अभी भी विजय की हत्या के लिए पश्चाताप से भरा हुआ है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। रवि वर्मा के रूप में शशि कपूर है और युवा रवि वर्मा के रूप में राजू श्रेष्ठ। विजय वर्मा के रूप में अमिताभ बच्चन है, अलंका जोशी एज यंग विजय वर्मा।
वीरा नारंग के रूप में नीतू सिंह है, सुमित्रा देवी के रूप में निरूपा रॉय है, अनीता के रूप में परवीन बॉबी है, मनमोहन कृष्णा डीसीपी नारंग के रूप में है, सामंत के रूप में मदनपुरी है, इफ्तिखार मुल्क राज टावर के रूप में है, आनंद वर्मा के रूप में सतसेन कप्पू है, जय चंद्र के रूप में सुधीर है, जगदीश राजेश चक्की है, एस राजकिशोर के रूप में दर्पण है, यूनुस परवेश के रूप में रहीम चाचा है, लच्छू के रूप में राजन वर्मा है, डीके शुप्रो श्रीमान के रूप में है, इसके अतिरिक्त विकास आनंद मोहन शेरी मानिकी रानी कमल कपूर एके हैंगल दुलारी और सत्यदेव दुबे सभी छोटी सी कमियों भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। कोई मर जाए गाने में अरुणा ईरानी एक गेस्ट डांसर के तौर पर नजर आती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की उत्पादकता कहानी और पटकथा के विषय में। फिल्म की पटकथा कहानियों संवाद सलीम जावेद द्वारा लिखे गए थे। फिल्म के कथानक के लिए मुख्य प्रेरणा 1961 के दिलीप कुमार की फिल्म गूंगा जमुना 1961 थी, जिसमें कानून के विपरीत पक्षों पर दो भाइयों का एक समान आधार था, जिसमें मुख्य किरदार बड़ा अपराधी भाई था। अमिताभ बच्चन की भूमिका आंशिक रूप से महाभारत के कर्ण पर आधारित थी, जबकि शशि कपूर महाभारत के युधिष्ठिर से मिलते जुलते थे। इस प्रकार दीवार को गूंगा जमाना का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना जाता है। सलीम जावेद को श्रेय दिया गया कि गंगा जमुना के साथ साथ महबूब खान और मदर इंडिया दीवार के लिए मुख्य प्रेरणा थी, जिसे उन्होंने अपने विषयों पर अधिक सहरी दीवार मूवी के फैक्टर रिव्यूज। दीवार 1975 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन स्टंट फिल्म है। यह यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित और सलीम जावेद सलीम खान जावेद द्वारा लिखित है। इसमें शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, नीतू सिंह, निरूपा रॉय और परवीन बॉबी हैं। फिल्म गरीब भाइयों की एक जोड़ी की कहानी बताती है, जो अपने पिता के गलत आदर्शवाद के कारण अपने परिवार को धोखा देने के लिए बॉम्बे की मलिन बस्तियों में जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं और अंततः खुद को कानून के विरोधी पक्ष में पाते हैं। शीर्षक की दीवार वह दीवार है जो सामाजिक राजनीतिक उथल पुथल के समय में भाग्य और परिस्थितियों के कारण दो भाइयों के बीच उभरी है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं यश चोपड़ा। यह फिल्म सलीम जावेद द्वारा लिखित है। इस फिल्म की उत्पादकता की है गुलशन रॉय ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, नीतू सिंह, निरूपा रॉय, परवीन बॉबी ने। इस फिल्म का छायांकन किया है केसी ने। यह फिल्म टी आर मंगेशकर प्राण मेहरा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म प्राइवेट लिमिटेड है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 24 नवंबर 1975 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 176 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। बॉलीवुड में इसका बजट 36 करोड़ और US में 4.6 मिलियन के बराबर रहा है और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कमाई 210 करोड़ रुपए और US में 26 मिलियन के बराबर रहा है। रिलीज होने पर दीवार समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल रही है। फिल्म की पटकथा कहानियों संगीत के साथ साथ अभिनय कलाकारों के प्रदर्शन विशेष रूप से बच्चन कपूर और रोल के प्रदर्शन की प्रशंसा की है। इसे अक्सर एक अभूतपूर्व सिनेमाई उत्कृष्ट कृति बारा जाता है। इंडिया टाइम्स ने दीवार के शीर्ष 25 अवश्य देखे जाने बॉलीवुड फिल्मों के स्थान दिए हैं। साथ ही यह 1001 फिल्मों की सूची में शामिल होने वाली हिंदी भाषा की फिल्मों में से एक है, जिन्हें आपको अवश्य देखना चाहिए। बनने से पहले फिल्म का भारतीय सिनेमा के साथ साथ व्यापक भारतीय समाज पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। फिल्म की सत्ता विरोधी विषय और बच्चन का आपराधिक नायक विरोधी सतर्क चरित्र दर्शकों के बीच गूंजता रहा है, जिसमें बच्चन की लोकप्रिय छवि एंग्री यमन के रूप में मजबूत हुई है। बॉलीवुड सिनेमा का फोर्ब्स ने फिल्म में बच्चन के प्रदर्शन को भारतीय सिनेमा के 25 महानतम अभिनय प्रदर्शन की सूची में शामिल किया है। इस फिल्म ने लेखक सलीम जोड़ी की सफलता को भी मजबूत किया है, जिन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में लिखी, लेकिन सलीम जावेद की बदौलत फिल्म लेखकों का मूल्य आसमान छू गया, जिन्हें उस समय की प्रमुख अभिनेताओं के बराबर ही भुगतान किया जाता है। दीवार का प्रभाव विश्व सिनेमा तक भी फैला है, जिसने हांगकांग और ब्रिटिश सिनेमा की फिल्मों को प्रभावित किया है।
चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म की शुरुआत ट्रेड यूनिवर्सिटी वाली आनंद वर्मा की मजबूत नेतृत्व के चित्रण से होती है, जो संघर्षरत मजदूरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। वह अपनी पत्नी सुमित्रा देवी और अपने दो छोटे बेटों विजय और रवि के साथ एक साधारण घर में रहते हैं। हालांकि चीज़ें तब और ख़राब हो जाती हैं जब आनंद को एक भ्रष्ट व्यवसायी द्वारा ब्लैकमेल किया जाता है, जो आनंद को अपनी विरोधी गतिविधियों को बंद नहीं करने पर उसके परिवार को मारने की धमकी देता है। अनुपालन के समय मजबूर होने पर आनंद पर उन्हीं मजदूरों द्वारा हमला किया जाता है, जो उसके विश्वासघात के लिए उसका मजाक उड़ाते हैं, जो इस बात से अनजान है कि ऐसा करने के लिए उन्हें ब्लैकमेल किया गया था। उनके परिवार पर भी नाराज कार्यकर्ताओं के अत्याचार किया है। शर्म के मारे आनंद ने शहर छोड़ दिया और सुमित्रा को गरीबी में अकेले अपने बेटों की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया। मेरा बाप चोर है यह नहीं पता और क्या करना है, सुमित्रा अपने बच्चों को मुंबई ले जाती और अपने बेटों की देखभाल के लिए दिहाड़ी मजदूर के रूप में संघर्ष करती है। जैसे जैसे लड़के बड़े होकर युवा बनते हैं, विजय अपने पिता की विफलता के प्रति तीव्र जागरूकता के साथ बड़ा होता है, क्योंकि वह अपने पिता की कथित कुकर्मों का शिकार बनाया गया था। अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रक्रिया में विजय एक बूट पॉलिशर्स के रूप में शुरुआत करता है, बाद में एक डायकोट कार्यकर्ता बन जाता है। जब विजय पूर्व अपराधी सामंत के लिए काम करने के लिए अपने टकों की पिटाई करता है, तो यह सामंत के प्रतिनिधि में से एक मुल्क राज डबर को विजय को अपने आंतरिक घेरे में लाने के लिए प्रभावित करता है। जब विजय दावत के प्रति सामंत के कई सामानों को पकड़ने के लिए सफलतापूर्वक करा लेता है, तो सामंत उसे पैसे से पुरस्कृत करता है, जिससे विजय को अपने परिवार के लिए आलीशान घर खरीदने की अनुमति मिलती है। दावर के लिए अपने काम को जारी रखने के लिए विजय अपनी शिक्षा का भी त्याग कर देता है, ताकि रवि पढ़ाई कर सके। जैसे ही रवि ने पढ़ाई पूरी की है, तो पुलिस कमिश्नर DCP नारंग की बेटी वीरा नारंग को डेट करना शुरू कर दिया है। कमिश्नर के सुझाव पर पुलिस रवि में रोजगार के लिए आवेदन करता है, उसे प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है और कई महीने बाद उसे पुलिस द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। और जब इंस्पेक्टर का पद प्राप्त होता है, तब रवि लौटता है और अपना पहला काम बॉम्बे के लिए कुछ कट्टर अपराधियों को तस्करों को पकड़ना और गिरफ्तार करना होता है, जिसमें उसका भाई विजय भी शामिल है। उसे बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसने कभी भी अपने भाई को आपराधिक गतिविधियों से नहीं जोड़ा था। रवि को विजय को पकड़ने और पुलिस बल छोड़ने के बीच निर्णय लेना होगा। सबसे पहले रवि अपने भाई को गिरफ्तार करने के लिए हिचकिचाता है, लेकिन बाद में वह तब द्रवित हो जाता है जब दो रोटियां चुराने वाले एक लड़के को गोली मार देता है। उसे पकड़ने की कोशिश में जब पछतावाग्रस्त रवि लड़के के परिवार के पास जाता है, तो उन्हें कुछ खाना देता और अपना अपराध कबूल करता है। तो माँ रवि को डांटती है, जबकि लड़के के पिता उसे कमरे में वापस भेज देता है। पिता रवि को माफ़ कर देते हैं और अपने कर्तव्य को यह कहकर उचित ठहराते हैं कि लाख या भोजन की चोरी एक ही है, जो अंततः रवि को मामला उठाने के लिए सहमत होने के प्रेरित करता है। जब रवि को पता चलता है कि विजय ने अपराध से धन अर्जित किया है, तो उसने सुमित्रा के साथ बाहर जाने का फैसला किया है, जिससे विजय और रवि के बीच झगड़ा शुरू हो गया है। लगभग उसी समय आनंद एक ट्रेन के अंदर मृत पाया जाता है और अपने शरीर का अंतिम संस्कार विजय द्वारा किया जाता है। रवि अब सामंत और डावर दोनों गिरोह को एक सहयोगियों को मारने और गिरफ्तार करने में अपना कार्य पूरा करने का अवसर देता है। यहाँ तक कि दावर को भी रवि द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और अपने परिवार और अपने कई सहयोगियों को खोने के क्रोधित होकर विजय अनीता नाम की एक महिला के साथ रिश्ते में प्रवेश करता है, जिससे उसकी मुलाकात एक बार में होती है। जब अनीता विजय के बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है, तो विजय अंडरवर्ल्ड में अपना जीवन त्यागने का फैसला करता है, ताकि वह उससे शादी कर सके और अपने पापों को स्वीकार कर सके और सुमित्रा और रवि से माफ़ी मांग सके। तदापि सामंत और उसके गिरोह की मौत के बाद जो हुआ उसके बारे में सुनकर रवि अतिम संघर्ष में विजय से मिलता है और उससे भगाने से रोकने को खुद को आत्मसमर्पण करने का अनुरोध करता है। विजय ने मना कर दिया और एक मंदिर की ओर भागते समय रवि द्वारा उसकी बाह में घातक गोली मार दी गई, जहाँ वह सुमित्रा के साथ फिर से मिला और माफ़ी मांगी। विजय फिर सुमित्रा की बाहों में मर जाता है।
जिससे बेहद टूट जाती है। लगभग उसी समय रवि मंदिर पहुंचता है और विजय के साथ जो हुआ उससे वह पूरी तरह से परेशान हो जाता है। फिल्म का अंत पुलिस द्वारा रवि को न्याय दिलाने और अपराधियों को पकड़ने में उसकी सफल कार्यों के लिए उत्सव की मेज़बानी करने के लिए होता है। हालांकि रवि अभी भी विजय की हत्या के लिए पश्चाताप से भरा हुआ है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। रवि वर्मा के रूप में शशि कपूर है और युवा रवि वर्मा के रूप में राजू श्रेष्ठ है। विजय वर्मा के रूप में अमिताभ बच्चन है, अलंका जोशी एज यंग विजय वर्मा। वीरा नारंग के रूप में नीतू सिंह है, सुमित्रा देवी के रूप में निरूपा रॉय है, अनीता के रूप में परवीन बॉबी है, मनमोहन कृष्णा डीसीपी नारंग के रूप में है, सामंत के रूप में मदनपुरी है, इफ्तिखार मुल्क राज टावर के रूप में है, आनंद वर्मा के रूप में सतसेन कप्पू है, जय चंद्र के रूप में सुधीर है, जगदीश राजेश जबकी है, एस राजकिशोर के रूप में दर्पण है, यूनुस परवेश के रूप में रहीम चाचा है, लच्छू के रूप में राजन वर्मा है, डीके शुप्रो श्रीमान के रूप में है। इसके अतिरिक्त विकास आनंद, मोहन शेरी, मानिकी रानी, कमल कपूर, ए के हैंगल, दुलारी और सत्यदेव दुबे सभी छोटी सी कमियों भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। कोई मर जाए गाने में अरुणा ईरानी एक गेस्ट डांसर के तौर पर नजर आती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की उत्पादकता कहानी और पटकथा के विषय में। फिल्म की पटकथा कहानी और संवाद सलीम जावेद द्वारा लिखे गए थे। फिल्म के कथानक के लिए मुख्य प्रेरणा 1961 के दिलीप कुमार की फिल्म गूंगा जमुना 1961 थी, जिसमें कानून के विपरीत पक्षों पर दो भाइयों का एक समान आधार था, जिसमें मुख्य किरदार पर अपराधी भाई था। अमिताभ बच्चन की भूमिका आंशिक रूप से महाभारत के कर्ण पर आधारित थी, जबकि शशि कपूर महाभारत के युधिष्ठिर से मिलते जुलते थे। इस प्रकार दीवार को गूंगा जमाना का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना जाता है। सलीम जावेद को श्रेय दिया गया कि गंगा जमुना के साथ साथ महबूब खान और मदर इंडिया दीवार के लिए मुख्य प्रेरणा थी, जिसे उन्होंने अपने विषयों पर अधिक शहरी दीवार मूवी के फैक्टर रिव्यूज दीवार 1975 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम फिल्म है। यह यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित और सलीम जावेद सलीम खान जावेद द्वारा लिखित है। इसमें शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, नीतू सिंह, निरूपा रॉय और परवीन बॉबी हैं। फिल्म गरीब भाइयों की एक जोड़ी की कहानी बताती है, जो अपने पिता के गलत आदर्शवाद के कारण अपने परिवार को धोखा देने के लिए बॉम्बे की मलिन बस्तियों में जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं और अंततः खुद को कानून के विरोधी पक्ष में पाते हैं। शीर्षक की दीवार वह दीवार है जो सामाजिक राजनीतिक उथल पुथल के समय में भाग्य और परिस्थितियों के कारण दो भाइयों के बीच उभरी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं यश चोपड़ा। यह फिल्म सलीम जावेद द्वारा लिखित है। इस फिल्म की उत्पादकता की है गुलशन रॉय ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, नीतू सिंह, निरूपा रॉय, परवीन बॉबी ने। इस फिल्म का छायांकन किया है केसी ने। यह फिल्म टी आर मंगेशकर प्राण मेहरा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म प्राइवेट लिमिटेड है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 24 नवंबर 1975 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 176 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। बॉलीवुड में इसका बजट 36 करोड़ और यूएस में 4.6 मिलियंस के बराबर रहा है और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कमाई 210 करोड़ रुपए और यूएस में 26 मिलियंस के बराबर रहा है। रिलीज होने पर दीवार समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल रही है। फिल्म की पटकथा कहानी और संगीत के साथ साथ अभिनय कलाकारों के प्रदर्शन, विशेष रूप से बच्चन कपूर और रॉय के प्रदर्शन की प्रशंसा की है। इसे अक्सर एक अभूतपूर्व सिनेमाई उत्कृष्ट कृति मारा जाता है। इंडिया टाइम्स ने दीवार के शीर्ष 25 अवश्य देखे जाने बॉलीवुड फिल्मों के स्थान दिए हैं। साथ ही यह 1001 फिल्मों की सूची में शामिल होने वाली हिंदी भाषा की फिल्मों में से एक है, जिन्हें आपको अवश्य देखना चाहिए। बनने से पहले फिल्म का भारतीय सिनेमा के साथ साथ व्यापक भारतीय समाज पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। फिल्म की सत्ता विरोधी विषय और बच्चन का आपराधिक नायक विरोधी सतर्क चरित्र
दर्शकों के बीच गूंजता रहा है, जिसमें बच्चन की लोकप्रिय छवि एंग्री यमन के रूप में मजबूत हुई है। बॉलीवुड सिनेमा का फोबस सिंधी फिल्म में बच्चन के प्रदर्शन को भारतीय सिनेमा के 25 महानतम अभिनय प्रदर्शन की सूची में शामिल किया है। इस फिल्म ने लेखक सलीम जोड़ी की सफलता को भी मजबूत किया है, जिन्होंने कई और ब्लॉकबस्टर फिल्में लिखी, लेकिन सलीम जावेद की बदौलत फिल्म लेखकों का मूल्य आसमान छू गया, जिन्हें उस समय की प्रमुख अभिनेताओं के बराबर ही भुगतान किया जाता है। दीवार का प्रभाव विश्व सिनेमा तक भी फैला है, जिसने हांगकांग और ब्रिटिश सिनेमा की फिल्मों को प्रभावित किया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म की शुरुआत ट्रेड यूनिवर्सिटीवादी आनंद वर्मा के मजबूत नेतृत्व के चित्रण से होती है, जो संघर्षरत मजदूरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। वह अपनी पत्नी सुमित्रा देवी और अपने दो छोटे बेटों विजय और रवि के साथ एक साधारण घर में रहते हैं। हालांकि चीज़ें तब और ख़राब हो जाती हैं जब आनंद को एक भ्रष्ट व्यवसायी द्वारा ब्लैकमेल किया जाता है, जो आनंद को अपनी विरोधी गतिविधियों को बंद नहीं करने पर उसके परिवार को मारने की धमकी देता है। अनुपालन के समय मजबूर होने पर आनंद पर उन्हीं मजदूरों द्वारा हमला किया जाता है, जो उसके विश्वासघात के लिए उसका मजाक उड़ाते हैं, जो इस बात से अनजान है कि ऐसा करने के लिए उन्हें ब्लैकमेल किया गया था। उनके परिवार पर भी नाराज कार्यकर्ताओं के अत्याचार किया है। शर्म के मारे आनंद ने शहर छोड़ दिया और सुमित्रा को गरीबी में अकेले अपने बेटों की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया। मेरा बाप चोर है यह नहीं पता और क्या करना है, सुमित्रा अपने बच्चों को मुंबई ले जाती है और अपने बेटों की देखभाल के लिए दिहाड़ी मजदूर के रूप में संघर्ष करती है। जैसे जैसे लड़के बड़े होकर युवा बनते हैं, विजय अपने पिता की विफलता के प्रति तीव्र जागरूकता के साथ बड़ा होता है, क्योंकि वह अपने पिता की कथित कुकर्मों का शिकार बनाया गया था। अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रक्रिया में विजय एक बूट पॉलिशर्स के रूप में शुरुआत करता है, बाद में एक डायकोर कार्यकर्ता बन जाता है। जब विजय गुर अपराधी सामंत के लिए काम करने के लिए अपने टहों की पिटाई करता है, तो यह सामंत के प्रतिनिधि में से एक मुल्क राज डबर को विजय को अपने आंतरिक घेरे में लाने के लिए प्रभावित करता है। जब विजय दावत के प्रति सामंत के कई सामानों को पकड़ने के लिए सफलतापूर्वक करा लेता है, तो सामंत उसे पैसे से पुरस्कृत करता है, जिससे विजय को अपने परिवार के लिए आलीशान घर खरीदने की अनुमति मिलती है। दावर के लिए अपने काम को जारी रखने के लिए विजय अपनी शिक्षा का भी त्याग कर देता है, ताकि रवि पढ़ाई कर सके। जैसे ही रवि ने पढ़ाई पूरी की है, तो पुलिस कमिश्नर DCP नारंग की बेटी वीरा नारंग को डेट करना शुरू कर दिया है। कमिश्नर के सुझाव पर पुलिस रवि में रोजगार के लिए आवेदन करता है, उसे प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है और कई महीने बाद उसे पुलिस द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। और जब इंस्पेक्टर का पद प्राप्त होता है, तब रवि लौटता है और अपना पहला काम बॉम्बे के लिए कुछ कट्टर अपराधियों को तस्करों को पकड़ना और गिरफ्तार करना होता है, जिसमें उसका भाई विजय भी शामिल है। उसे बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसने कभी भी अपने भाई को आपराधिक गतिविधियों से नहीं जोड़ा था। रवि को विजय को पकड़ने और पुलिस बल छोड़ने के बीच निर्णय लेना होगा। सबसे पहले रवि अपने भाई को गिरफ्तार करने के लिए हिचकिचाता है, लेकिन बाद में वह तब द्रवित हो जाता है जब दो रोटियां चुराने वाले एक लड़के को गोली मार देता है। उसे पकड़ने की कोशिश में जब पछतावाग्रस्त रवि लड़के के परिवार के पास जाता है, तो उन्हें कुछ खाना देता और अपना अपराध कबूल करता है। तो माँ रवि को डांटती है, जबकि लड़के के पिता उसे कमरे में वापस भेज देता है। पिता रवि को माफ़ कर देते हैं और अपने कर्तव्य को यह कहकर उचित ठहराते हैं कि लाख या भोजन की चोरी एक ही है, जो अंततः रवि को मामला उठाने के लिए सहमत होने के प्रेरित करता है। जब रवि को पता चलता है कि विजय ने अपराध से धन अर्जित किया है, तो उसने सुमित्रा के साथ बाहर जाने का फैसला किया है, जिससे विजय और रवि के बीच झगड़ा शुरू हो गया है। लगभग उसी समय आनंद एक ट्रेन के अंदर मृत पाया जाता है और अपने शरीर का अंतिम संस्कार विजय द्वारा किया जाता है। रवि अब सामंत और डावर दोनों गिरोह को एक सहयोगियों को मारने और गिरफ्तार करने में अपना कार्य पूरा करने का अवसर देता है। यहाँ तक कि दावर को भी रवि द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और अपने परिवार और अपने कई सहयोगियों को खोने के क्रोधित होकर विजय अनीता नाम की एक महिला के साथ रिश्ते में प्रवेश करता है, जिससे उसकी मुलाकात एक बार में होती है। जब अनीता विजय के बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है,
तो विजय अंडरवर्ल्ड में अपना जीवन त्यागने का फैसला करता है ताकि वह उससे शादी कर सके और अपने पापों को स्वीकार कर सके और सुमित्रा और रवि से माफ़ी मांग सके। तथापि सामंत और उसके गिरोह की मौत के बाद जो हुआ उसके बारे में सुनकर रवि अतिम संघर्ष में विजय से मिलता है और उससे भगाने से रोकने को खुद को आत्मसमर्पण करने का अनुरोध करता है। विजय ने मना कर दिया और एक मंदिर की ओर भागते समय रवि द्वारा उसकी बाह में घातक गोली मार दी गई, जहां वह सुमित्रा के साथ फिर से मिला और माफ़ी मांगी। विजय फिर सुमित्रा की बाहों में मर जाता है जिससे बेहद टूट जाती है। लगभग उसी समय रवि मंदिर पहुंचता है और विजय के साथ जो हुआ उससे वह पूरी तरह से परेशान हो जाता है। फिर फिल्म का अंत पुलिस द्वारा रवि को न्याय दिलाने और अपराधियों को पकड़ने में उसकी सफल कार्य के लिए उत्सव की मेज़बानी करने के लिए होता है। हालांकि रवि अभी भी विजय की हत्या के लिए पश्चाताप से भरा हुआ है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। रवि वर्मा के रूप में शशि कपूर है और युवा रवि वर्मा के रूप में राजू श्रेष्ठ है। विजय वर्मा के रूप में अमिताभ बच्चन है, अलंका जोशी एज यंग विजय वर्मा। वीरा नारंग के रूप में नीतू सिंह है, सुमित्रा देवी के रूप में निरूपा रॉय है, अनिता के रूप में परवीन बॉबी है, मनमोहन कृष्णा DCP नारंग के रूप में है, सामंत के रूप में मदनपुरी है, इफ्तिखार मुल्कराज टावर के रूप में है, आनंद वर्मा के रूप में सतसिन कप्पू है, जयचंद्र के रूप में सुधीर है, जगदीश राज एस चक्की है, एस राजकिशोर के रूप में दर्पण है, यूनुस परवेश के रूप में रहीम चाचा है, लच्छू के रूप में राजन वर्मा है, डीके शुप्रू श्रीमान के रूप में है। इसके अतिरिक्त विकास आनंद, मोहन शेरी, मानिकी रानी, कमल कपूर, एके हैंगल, दुलारी और सत्यदेव दुबे सभी छोटी सी कमियों भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। कोई मर जाए गाने में अरुणा ईरानी एक गेस्ट डांसर के तौर पर नजर आती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की उत्पादकता कहानी और पटकथा के विषय में। फिल्म की पटकथा कहानी और संवाद सलीम जावेद द्वारा लिखे गए थे। फिल्म के कथानक के लिए मुख्य प्रेरणा 1961 की दिलीप कुमार की फिल्म गूंगा जमुना 1961 थी, जिसमें कानून के विपरीत पक्षों पर दो भाइयों का एक समान आधार था, जिसमें मुख्य किरदार बड़ा अपराधी भाई था। अमिताभ बच्चन की भूमिका आंशिक रूप से महाभारत के कर्ण पर आधारित थी, जबकि शशि कपूर महाभारत के युधिष्ठिर से मिलते जुलते थे। इस प्रकार दीवार को गूंगा जमाना का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना जाता है। सलीम जावेद को श्रेय दिया गया कि गंगा जमुना के साथ साथ महबूब खान और मदर इंडिया दीवार के लिए मुख्य प्रेरणा थी, जिसे उन्होंने अपने विषयों पर अधिक शहरी दीवार मूवी के फैक्टर रिव्यूज दीवार 1975 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन स्टंट फिल्म है। यह यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित और सलीम जावेद सलीम खान जावेद द्वारा लिखित है। इसमें शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, नीतू सिंह, निरूपा रॉय और परवीन बॉबी हैं। फिल्म गरीब भाइयों की एक जोड़ी की कहानी बताती है, जो अपने पिता के गलत आदर्शवाद के कारण अपने परिवार को धोखा देने के लिए बॉम्बे की मलिन बस्तियों में जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं और अंततः खुद को कानून के विरोधी पक्ष में पाते हैं। शीर्षक की दीवार वह दीवार है जो सामाजिक राजनीतिक उथल पुथल के समय में भाग्य और परिस्थितियों के कारण दो भाइयों के बीच उभरी है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं यश चोपड़ा। यह फिल्म सलीम जावेद द्वारा लिखित है। इस फिल्म की उत्पादकता की है गुलशन रॉय ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, नीतू सिंह, निरूपा रॉय, परवीन बॉबी ने। इस फिल्म का छायांकन किया है केसी ने। यह फिल्म TR मंगेशकर प्राण मेहरा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां त्रिमूर्ति फिल्म प्राइवेट लिमिटेड है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 24 नवंबर 1975 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 176 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। बॉलीवुड में इसका बजट 36 करोड़ और US में 4.6 मिलियन के बराबर रहा है और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कमाई 210 करोड़ रुपए और US में 26 मिलियन के बराबर रहा है। रिलीज होने पर दीवार समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल रही है। फिल्म की पटकथा कहानियों संगीत के साथ साथ अभिनय कलाकारों के प्रदर्शन
विशेष रूप से बच्चन कपूर और रोल के प्रदर्शन की प्रशंसा की है। इसे अक्सर एक अभूतपूर्व सिनेमाई उत्कृष्ट कृति माना जाता है। इंडिया टाइम्स ने दीवार के शीर्ष 25 अवश्य देखे जाने बॉलीवुड फिल्मों के स्थान दिए हैं। साथ ही है 1001 फिल्मों की सूची में शामिल होने वाली हिंदी भाषा की फिल्मों में से एक है जिन्हें आपको अवश्य देखना चाहिए। बनने से पहले फिल्म का भारतीय सिनेमा के साथ साथ व्यापक भारतीय समाज पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। फिल्म की सत्ता विरोधी विषय और बच्चन का आपराधिक नायक विरोधी सतर्क चरित्र दर्शकों के बीच गूंजता रहा है, जिसमें बच्चन की लोकप्रिय छवि एंग्री एमैन के रूप में मजबूत हुई है। बॉलीवुड सिनेमा का फोबस ने फिल्म में बच्चन के प्रदर्शन को भारतीय सिनेमा के 25 महानतम अभिनय प्रदर्शन की सूची में शामिल किया है। इस फिल्म ने लेखक सलीम जोड़ी की सफलता को भी मजबूत किया है, जिन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में लिखी, लेकिन सलीम जावेद की बदौलत फिल्म लेखकों का मूल्य आसमान छू गया, जिन्हें उस समय की प्रमुख अभिनेताओं के बराबर ही भुगतान किया जाता है। दीवार का प्रभाव विश्व सिनेमा तक भी फैला है, जिसने हांगकांग और ब्रिटिश सिनेमा की फिल्मों को प्रभावित किया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म की शुरुआत ट्रेड यूनिवर्सिटीवादी आनंद वर्मा के मजबूत नेतृत्व के चित्रण से होती है, जो संघर्षरत मजदूरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। वह अपनी पत्नी सुमित्रा देवी, अपने दो छोटे बेटे विजय और रवि के साथ एक साधारण घर में रहते हैं। हालांकि चीज़ें तब और ख़राब हो जाती हैं जब आनंद को एक भ्रष्ट व्यवसायी द्वारा ब्लैकमेल किया जाता है, जो आनंद को अपनी विरोधी गतिविधियों को बंद नहीं करने पर उसके परिवार को मारने की धमकी देता है। अनुपालन के समय मजबूर होने पर आनंद पर उन्हीं मजदूरों द्वारा हमला किया जाता है, जो उसके विश्वासघात के लिए उसका मजाक उड़ाते हैं, जो इस बात से अनजान है कि ऐसा करने के लिए उन्हें ब्लैकमेल किया गया था। उनके परिवार पर भी नाराज कार्यकर्ताओं के अत्याचार किया है। शर्म के मारे आनंद ने शहर छोड़ दिया और सुमित्रा को गरीबी में अकेले अपने बेटों की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया। मेरा बाप चोर है यह नहीं पता और क्या करना है, सुमित्रा अपने बच्चों को मुंबई ले जाती और अपने बेटों की देखभाल के लिए दिहाड़ी मजदूर के रूप में संघर्ष करती है। जैसे जैसे लड़के बड़े होकर युवा बनते हैं, विजय अपने पिता की विफलता के प्रति तीव्र जागरूकता के साथ बड़ा होता है, क्योंकि वह अपने पिता की कथित कुकर्मों का शिकार बनाया गया था। अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रक्रिया में विजय एक बूट पॉलिशर्स के रूप में शुरुआत करता है, बाद में एक डायकोर कार्यकर्ता बन जाता है। जब विजय कुर अपराधी सामंत के लिए काम करने के लिए अपने टकों की पिटाई करता है, तो यह सामंत के प्रतिनिधि में से एक मुल्क राज डबर को विजय को अपने आंतरिक घेरे में लाने के लिए प्रभावित करता है। जब विजय दावा के प्रति सामंत के कई सामानों को पकड़ने के लिए सफलतापूर्वक करा लेता है, तो सामंत उसे पैसे से पुरस्कृत करता है, जिससे विजय को अपने परिवार के लिए आलीशान घर खरीदने की अनुमति मिलती है। दावर के लिए अपने काम को जारी रखने के लिए विजय अपनी शिक्षा का भी त्याग कर देता है, ताकि रवि पढ़ाई कर सके। जैसे ही रवि ने पढ़ाई पूरी की है, तो पुलिस कमिश्नर DCP नारंग की बेटी वीरा नारंग को डेट करना शुरू कर दिया है। कमिश्नर के सुझाव पर पुलिस रवि में रोजगार के लिए आवेदन करता है, उसे परीक्षण के लिए भेजा जाता है और कई महीने बाद उसे पुलिस द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। और जब इंस्पेक्टर का पद प्राप्त होता है, तब रवि लौटता है और अपना पहला काम बॉम्बे के लिए कुछ कट्टर अपराधियों को तस्करों को पकड़ना और गिरफ्तार करना होता है, जिसमें उसका भाई विजय भी शामिल है। उसे बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसने कभी भी अपने भाई को आपराधिक गतिविधियों से नहीं जोड़ा था। रवि को विजय को पकड़ने और पुलिस बल छोड़ने के बीच निर्णय लेना होगा। सबसे पहले रवि अपने भाई को गिरफ्तार करने के लिए हिचकिचाता है, लेकिन बाद में वह तब द्रवित हो जाता है जब दो रोटियां चुराने वाले एक लड़के को गोली मार देता है। उसे पकड़ने की कोशिश में जब पछतावाग्रस्त रवि लड़के के परिवार के पास जाता है, तो उन्हें कुछ खाना देता और अपना अपराध कबूल करता है। तो माँ रवि को डांटती है, जबकि लड़के के पिता उसे कमरे में वापस भेज देता है। पिता रवि को माफ़ कर देते हैं और अपने कर्तव्य को यह कहकर उचित ठहराते हैं कि लाख या भोजन की चोरी एक ही है, जो अंततः रवि को मामला उठाने के लिए सहमत होने के प्रेरित करता है। जब रवि को पता चलता है कि विजय ने अपराध से धन अर्जित किया है, तो उसने सुमित्रा
के साथ बाहर जाने का फैसला किया है, जिससे विजय और रवि के बीच झगड़ा शुरू हो गया है। लगभग उसी समय आनंद एक ट्रेन के अंदर मृत पाया जाता है और अपने शरीर का अंतिम संस्कार विजय द्वारा किया जाता है। रवि अब सामंत और डावर दोनों गिरोह को एक सहयोगियों को मारने और गिरफ्तार करने में अपना कार्य पूरा करने का अवसर देता है। यहाँ तक कि डावर को भी रवि द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और अपने परिवार और अपने कई सहयोगियों को खोने के क्रोधित होकर विजय अनीता नाम की एक महिला के साथ रिश्ते में प्रवेश करता है, जिससे उसकी मुलाकात एक बार में होती है। जब अनीता विजय के बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है तो विजय अंडरवर्ल्ड में अपना जीवन त्यागने का फैसला करता है ताकि वह उससे शादी कर सके और अपने पापों को स्वीकार कर सके और सुमित्रा और रवि से माफ़ी मांग सके। तदापि सामंत और उसके ग्रुप की मौत के बाद जो हुआ उसके बारे में सुनकर रवि अंतिम संघर्ष में विजय से मिलता है और उससे भगाने से रोकने को खुद को आत्मसमर्पण करने का अनुरोध करता है। विजय ने मना कर दिया और एक मंदिर की ओर भागते समय रवि द्वारा उसकी बाह में घातक गोली मार दी गई, जहाँ वह सुमित्रा के साथ फिर से मिला और माफ़ी मांगी। विजय फिर सुमित्रा की बाहों में मर जाता है, जिससे बेहद टूट जाती है। लगभग उसी समय रवि मंदिर पहुँचता है और विजय के साथ जो हुआ उससे वह पूरी तरह से परेशान हो जाता है। फिर फिल्म का अंत पुलिस द्वारा रवि को न्याय दिलाने और अपराधियों को पकड़ने में उसकी सफल कार्यों के लिए उत्सव की मेज़बानी करने के लिए होता है। हालांकि रवि अभी भी विजय की हत्या के लिए पश्चाताप से भरा हुआ है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। रवि वर्मा के रूप में शशि कपूर है और युवा रवि वर्मा के रूप में राजू श्रेष्ठ है। विजय वर्मा के रूप में अमिताभ बच्चन है, अलंका जोशी एज यंग विजय वर्मा। वीरा नारंग के रूप में नीतू सिंह है, सुमित्रा देवी के रूप में निरूपा रॉय है, अनिता के रूप में परवीन बॉबी है, मनमोहन कृष्णा डीसीपी नारंग के रूप में है, सामंत के रूप में मदनपुरी है, इफ्तिखार मुल्कराज टावर के रूप में है, आनंद वर्मा के रूप में सत्यसेन कप्पू है, जयचंद्र के रूप में सुधीर है, जगदीश राज एस चक्की है, एस राजकिशोर के रूप में दर्पण है, यूनुस परवेश के रूप में रहीम चाचा है, लच्छू के रूप में राजन वर्मा है, डीके शुप्रो श्रीमान के रूप में है। इसके अतिरिक्त विकास आनंद, मोहन शेरी, मानिकी रानी, कमल कपूर, ए के हैंगल, दुलारी और सत्यदेव दुबे सभी छोटी सी कमियों भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। कोई मर जाए गाने में अरुणा ईरानी एक गेस्ट डांसर के तौर पर नजर आती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की उत्पादकता, कहानी और पटकथा के विषय में। फिल्म की पटकथा, कहानी और संवाद सलीम जावेद द्वारा लिखे गए थे। फिल्म के कथानक के लिए मुख्य प्रेरणा 1961 के दिलीप कुमार की फिल्म गूंगा जमुना 1961 थी, जिसमें कानून के विपरीत पक्षों पर दो भाइयों का एक समान आधार था, जिसमें मुख्य किरदार पर अपराधी भाई था। अमिताभ बच्चन की भूमिका आंशिक रूप से महाभारत के कर्ण पर आधारित थी, जबकि शशि कपूर महाभारत के युधिष्ठिर से मिलते जुलते थे। इस प्रकार दीवार को गूंगा जमाना का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना जाता है। सलीम जावेद को श्रेय दिया गया कि गंगा जमुना के साथ साथ महबूब खान और मदर इंडिया दीवार के लिए मुख्य प्रेरणा थी, जिसे उन्होंने अपने विषयों पर अधिक शहरी दीवार मूवी के फैक्टर रिव्यूज। दीवार 1975 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम फिल्म है। यह यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित और सलीम जावेद, सलीम खान, जावेद द्वारा लिखित है। इसमें शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, नीतू सिंह, निरूपा रॉय और परवीन बॉबी है। फिल्म गरीब भाइयों की एक जोड़ी की कहानी बताती है, जो अपने पिता के गलत आदर्शवाद के कारण अपने परिवार को धोखा देने के लिए बॉम्बे की मलिन बस्तियों में जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं और अंततः खुद को कानून के विरोधी पक्ष में पाते हैं। शीर्षक की दीवार वह दीवार है जो सामाजिक राजनीतिक उथल पुथल के समय में भाग्य और परिस्थितियों के कारण दो भाइयों के बीच उभरी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं यश चोपड़ा। यह फिल्म सलीम जावेद द्वारा लिखित है। इस फिल्म की उत्पादकता की है गुलशन रॉय ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, नीतू सिंह, निरूपा रॉय, परवीन बॉबी ने। इस फिल्म का छायांकन किया है केसी ने। यह फिल्म टी आर मंगेशकर प्राण मेहरा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां त्रिमूर्ति फिल्म प्राइवेट लिमिटेड है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख
जो 20 नवंबर 1975 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 176 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। बॉलीवुड में इसका बजट 36 करोड़ और यूएस में 4.6 मिलियंस के बराबर रहा है और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कमाई 210 करोड़ रुपए और यूएस में 26 मिलियंस के बराबर रहा है। रिलीज होने पर दीवार समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल रही है। फिल्म की पटकथा, कहानियों, संगीत के साथ साथ अभिनय कलाकारों के प्रदर्शन, विशेष रूप से बच्चन कपूर और रोल के प्रदर्शन की प्रशंसा की है। इसे अक्सर एक अभूतपूर्व सिनेमाई उत्कृष्ट कृति माना जाता है। इंडिया टाइम्स ने दीवार के शीर्ष 25 अवश्य देखे जाने बॉलीवुड फिल्मों के स्थान दिए हैं। साथ ही है 1001 फिल्मों की सूची में शामिल होने वाली हिंदी भाषा की फिल्मों में से एक है जिन्हें आपको अवश्य देखना चाहिए। बनने से पहले फिल्म का भारतीय सिनेमा के साथ साथ व्यापक भारतीय समाज पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। फिल्म की सत्ता विरोधी विषय और बच्चन का आपराधिक नायक विरोधी सतर्क चरित्र दर्शकों के बीच गूंजता रहा है, जिसमें बच्चन की लोकप्रिय छवि एंग्री यमन के रूप में मजबूत हुई है। बॉलीवुड सिनेमा का फोबस ने फिल्म में बच्चन के प्रदर्शन को भारतीय सिनेमा के 25 महानतम अभिनय प्रदर्शन की सूची में शामिल किया है। इस फिल्म ने लेखक सलीम जोड़ी की सफलता को भी मजबूत किया है, जिन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में लिखी, लेकिन सलीम जावेद की बदौलत फिल्म लेखकों का मूल्य आसमान छू गया, जिन्हें उस समय की प्रमुख अभिनेताओं के बराबर ही भुगतान किया जाता है। दीवार का प्रभाव विश्व सिनेमा तक भी फैला है, जिसने हांगकांग और ब्रिटिश सिनेमा की फिल्मों को प्रभावित किया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म की शुरुआत ट्रेड यूनिवर्सिटीवादी आनंद वर्मा के मजबूत नेतृत्व के चित्रण से होती है, जो संघर्षरत मजदूरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। वह अपनी पत्नी सुमित्रा देवी, अपने दो छोटे बेटों विजय और रवि के साथ एक साधारण घर में रहते हैं। हालांकि चीज़ें तब और ख़राब हो जाती हैं जब आनंद को एक भ्रष्ट व्यवसायी द्वारा ब्लैकमेल किया जाता है, जो आनंद को अपनी विरोधी गतिविधियों को बंद नहीं करने पर उसके परिवार को मारने की धमकी देता है। अनुपालन के समय मजबूर होने पर आनंद पर उन्हीं मजदूरों द्वारा हमला किया जाता है, जो उसके विश्वासघात के लिए उसका मजाक उड़ाते हैं, जो इस बात से अनजान है कि ऐसा करने के लिए उन्हें ब्लैकमेल किया गया था। उनके परिवार पर भी नाराज कार्यकर्ताओं के अत्याचार किया है। शर्म के मारे आनंद ने शहर छोड़ दिया और सुमित्रा को गरीबी में अकेले अपने बेटों की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया। मेरा बाप चोर है यह नहीं पता और क्या करना है, सुमित्रा अपने बच्चों को मुंबई ले जाती और अपने बेटों की देखभाल के लिए दिहाड़ी मजदूर के रूप में संघर्ष करती है। जैसे जैसे लड़के बड़े होकर युवा बनते हैं, विजय अपने पिता की विफलता के प्रति तीव्र जागरूकता के साथ बड़ा होता है, क्योंकि वह अपने पिता की कथित कुकर्मों का शिकार बनाया गया था। अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रक्रिया में विजय एक बूट पॉलिशर्स के रूप में शुरुआत करता है, बाद में एक डायकोट कार्यकर्ता बन जाता है। जब विजय पूर्व अपराधी सामंत के लिए काम करने के लिए अपने टरों की पिटाई करता है, तो यह सामंत के प्रतिनिधि में से एक मुल्क राज डबर को विजय को अपने आंतरिक घेरे में लाने के लिए प्रभावित करता है। जब विजय दावत के प्रति सामंत के कई सामानों को पकड़ने के लिए सफलतापूर्वक करा लेता है, तो सामंत उसे पैसे से पुरस्कृत करता है, जिससे विजय को अपने परिवार के लिए आलीशान घर खरीदने की अनुमति मिलती है। दावर के लिए अपने काम को जारी रखने के लिए विजय अपनी शिक्षा का भी त्याग कर देता है ताकि रवि पढ़ाई कर सके। जैसे ही रवि ने पढ़ाई पूरी की है, तो पुलिस कमिश्नर DCP नारंग की बेटी वीरा नारंग को डेट करना शुरू कर दिया है। कमिश्नर के सुझाव पर पुलिस रवि में रोजगार के लिए आवेदन करता है। उसे प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है और कई महीने बाद उसे पुलिस द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। और जब इंस्पेक्टर का पद प्राप्त होता है, तब रवि लौटता है और अपना पहला काम बॉम्बे के लिए कुछ कट्टर अपराधियों को तस्करों को पकड़ना और गिरफ्तार करना होता है, जिसमें उसका भाई विजय भी शामिल है। उसे बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसने कभी भी अपने भाई को आपराधिक गतिविधियों से नहीं जोड़ा था। रवि को विजय को पकड़ने और पुलिस बल छोड़ने के बीच निर्णय लेना होगा। सबसे पहले रवि अपने भाई को गिरफ्तार करने के लिए हिचकिचाता है, लेकिन बाद में वह तब द्रवित हो जाता है जब दो रोटियां चुराने वाले एक लड़के को गोली मार देता है। उसे पकड़ने की कोशिश में जब
पछतावाग्रस्त रवि लड़के के परिवार के पास जाता है तो उन्हें कुछ खाना देता और अपना अपराध कबूल करता है। तो माँ रवि को डांटती है जबकि लड़के के पिता उसे कमरे में वापस भेज देता है। पिता रवि को माफ़ कर देते हैं और अपने कर्तव्य को यह कहकर उचित ठहराते हैं कि लाख या भोजन की चोरी एक ही है, जो अंततः रवि को मामला उठाने के लिए सहमत होने के प्रेरित करता है। जब रवि को पता चलता है कि विजय ने अपराध से धन अर्जित किया है तो उसने सुमित्रा के साथ बाहर जाने का फैसला किया है, जिससे विजय और रवि के बीच झगड़ा शुरू हो गया है। लगभग उसी समय आनंद एक ट्रेन के अंदर मृत पाया जाता है और अपने शरीर का अंतिम संस्कार विजय द्वारा किया जाता है। रवि अब सामंत और डावर दोनों गिरोह को एक सहयोगियों को मारने और गिरफ्तार करने में अपना कार्य पूरा करने का अवसर देता है। यहाँ तक कि डावर को भी रवि द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और अपने परिवार और अपने कई सहयोगियों को खोने के क्रोधित होकर विजय अनीता नाम की एक महिला के साथ रिश्ते में प्रवेश करता है, जिससे उसकी मुलाकात एक बार में होती है। जब अनीता विजय के बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है तो विजय अंडरवर्ल्ड में अपना जीवन त्यागने का फैसला करता है ताकि वह उससे शादी कर सके और अपने पापा को स्वीकार कर सके और सुमित्रा और रवि से माफ़ी मांग सके। तथापि सामंत और उसके गिरोह की मौत के बाद जो हुआ उसके बारे में सुनकर रवि अतिम संघर्ष में विजय से मिलता है और उससे भगाने से रोकने को खुद को आत्मसमर्पण करने का अनुरोध करता है। विजय ने मना कर दिया और एक मंदिर की ओर भागते समय रवि द्वारा उसकी बाह में घातक गोली मार दी गई, जहां वह सुमित्रा के साथ फिर से मिला और माफ़ी मांगी। विजय फिर सुमित्रा की बाहों में मर जाता है, जिससे बेहद टूट जाती है। लगभग उसी समय रवि मंदिर पहुंचता है और विजय के साथ जो हुआ उससे वह पूरी तरह से परेशान हो जाता है। फिर फिल्म का अंत पुलिस द्वारा रवि को न्याय दिलाने और अपराधियों को पकड़ने में उसकी सफल कार्यों के लिए उत्सव की मेज़बानी करने के लिए होता है। हालांकि रवि अभी भी विजय की हत्या के लिए पश्चाताप से भरा हुआ है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। रवि वर्मा के रूप में शशि कपूर है और युवा रवि वर्मा के रूप में राजू श्रेष्ठ है। विजय वर्मा के रूप में अमिताभ बच्चन है, अलंका जोशी एज यंग विजय वर्मा। वीरा नारंग के रूप में नीतू सिंह है, सुमित्रा देवी के रूप में निरूपा रॉय है, अनीता के रूप में परवीन बॉबी है, मनमोहन कृष्णा डीसीपी नारंग के रूप में है, सामंत के रूप में मदनपुरी है, इफ्तिखार मुल्कराज टावर के रूप में है, आनंद वर्मा के रूप में सतसिन कप्पू है, जयचंद्र के रूप में सुधीर है, जगदीश राजेश चक्की है, एस राजकिशोर के रूप में दर्पण है, यूनुस परवेश के रूप में रहीम चाचा है, लच्छू के रूप में राजन वर्मा है, डीके शुप्रू श्रीमान के रूप में है। इसके अतिरिक्त विकास आनंद, मोहन शेरी, मानी की रानी, कमल कपूर, ए के हैंगल, दुलारी और सत्यदेव दुबे सभी छोटी सी कमियों भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। कोई मर जाए गाने में अरुणा ईरानी एक गेस्ट डांसर के तौर पर नजर आती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की उत्पादकता कहानी और पटकथा के विषय में। फिल्म की पटकथा कहानी और संवाद सलीम जावेद द्वारा लिखे गए थे। फिल्म के कथानक के लिए मुख्य प्रेरणा 1961 की दिलीप कुमार की फिल्म गूंगा जमुना 1961 थी, जिसमें कानून के विपरीत पक्षों पर दो भाइयों का एक समान आधार था, जिसमें मुख्य किरदार बड़ा अपराधी भाई था। अमिताभ बच्चन की भूमिका आंशिक रूप से महाभारत के कर्ण पर आधारित थी, जबकि शशि कपूर महाभारत के युधिष्ठिर से मिलते जुलते थे। इस प्रकार दीवार को गूंगा जमाना का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना जाता है। सलीम जावेद को श्रेय दिया गया कि गंगा जमुना के साथ साथ महबूब खान और मदर इंडिया दीवार के लिए मुख्य प्रेरणा थी, जिसे उन्होंने अपने विषयों पर अधिक शहरी दीवार मूवी के फैक्टर रिव्यूज दीवार 1975 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम फिल्म है। यह यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित और सलीम जावेद सलीम खान जावेद द्वारा लिखित है। इसमें शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, नीतू सिंह, निरूपा रॉय और परवीन बॉबी हैं। फिल्म गरीब भाइयों की एक जोड़ी की कहानी बताती है, जो अपने पिता के गलत आदर्शवाद के कारण अपने परिवार को धोखा देने के लिए बॉम्बे की मलिन बस्तियों में जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं और अंततः खुद को कानून के विरोधी पक्ष में पाते हैं। शीर्षक की दीवार वह दीवार है जो सामाजिक राजनीतिक उथल पुथल के समय में भाग्य और परिस्थितियों के कारण दो भाइयों के बीच उभरी है।
चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं यश चोपड़ा। यह फिल्म सलीम जावेद द्वारा लिखित है। इस फिल्म की उत्पादकता की है गुलशन रॉय ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, नीतू सिंह, निरूपा रॉय, परवीन बॉबी ने। इस फिल्म का छायाकान किया है केसी ने। यह फिल्म टी आर मंगेशकर प्राण मेहरा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म प्राइवेट लिमिटेड है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 24 नवंबर 1975 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 176 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। बॉलीवुड में इसका बजट 36 करोड़ और US में 4.6 मिलियन के बराबर रहा है। और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कमाई 210 करोड़ रुपए और US में 26 मिलियन के बराबर रहा है। रिलीज होने पर दीवार समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल रही है। फिल्म की पटकथा, कहानियों, संगीत के साथ साथ अभिनय कलाकारों के प्रदर्शन, विशेष रूप से बच्चन कपूर और रॉय के प्रदर्शन की प्रशंसा की है। इसे अक्सर एक अभूतपूर्व सिनेमाई उत्कृष्ट कृति माना जाता है। इंडिया टाइम्स ने दीवार के शीर्ष 25 अवश्य देखे जाने बॉलीवुड फिल्मों के स्थान दिए हैं। साथ ही यह 1001 फिल्मों की सूची में शामिल होने वाली हिंदी भाषा की फिल्मों में से एक है जिन्हें आपको अवश्य देखना चाहिए। बनने से पहले फिल्म का भारतीय सिनेमा के साथ साथ व्यापक भारतीय समाज पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। फिल्म की सत्ता विरोधी विषय और बच्चन का आपराधिक नायक विरोधी सतर्क चरित्र दर्शकों के बीच गूंजता रहा है, जिसमें बच्चन की लोकप्रिय छवि एंग्री यमन के रूप में मजबूत हुई है। बॉलीवुड सिनेमा का फोबस ने फिल्म में बच्चन के प्रदर्शन को भारतीय सिनेमा के 25 महानतम अभिनय प्रदर्शन की सूची में शामिल किया है। इस फिल्म ने लेखक सलीम जोड़ी की सफलता को भी मजबूत किया है, जिन्होंने कई और ब्लॉकबस्टर फिल्में लिखी, लेकिन सलीम जावेद की बदौलत फिल्म लेखकों का मूल्य आसमान छू गया, जिन्हें उस समय की प्रमुख अभिनेताओं के बराबर ही भुगतान किया जाता है। दीवार का प्रभाव विश्व सिनेमा तक भी फैला है, जिसने हांगकांग और ब्रिटिश सिनेमा की फिल्मों को प्रभावित किया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म की शुरुआत ट्रेड यूनिवर्सिटीवादी आनंद वर्मा के मजबूत नेतृत्व के चित्रण से होती है, जो संघर्षरत मजदूरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। वह अपनी पत्नी सुमित्रा देवी, अपने दो छोटे बेटे विजय और रवि के साथ एक साधारण घर में रहते हैं। हालांकि चीज़ें तब और ख़राब हो जाती हैं जब आनंद को एक भ्रष्ट व्यवसायी द्वारा ब्लैकमेल किया जाता है, जो आनंद को अपनी विरोधी गतिविधियों को बंद नहीं करने पर उसके परिवार को मारने की धमकी देता है। अनुपालन के समय मजबूर होने पर आनंद पर उन्हीं मजदूरों द्वारा हमला किया जाता है, जो उसके विश्वासघात के लिए उसका मजाक उड़ाते हैं, जो इस बात से अनजान है कि ऐसा करने के लिए उन्हें ब्लैकमेल किया गया था। उनके परिवार पर भी नाराज कार्यकर्ताओं के अत्याचार किया है। शर्म के मारे आनंद ने शहर छोड़ दिया और सुमित्रा को गरीबी में अकेले अपने बेटों की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया। मेरा बाप चोर है यह नहीं पता और क्या करना है। सुमित्रा अपने बच्चों को मुंबई ले जाती और अपने बेटों की देखभाल के लिए दिहाड़ी मजदूर के रूप में संघर्ष करती है। जैसे जैसे लड़के बड़े होकर युवा बनते हैं, विजय अपने पिता की विफलता के प्रति तीव्र जागरूकता के साथ बड़ा होता है, क्योंकि वह अपने पिता की कथित कुकर्मों का शिकार बनाया गया था। अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रक्रिया में विजय एक बूथ पॉलिशर्स के रूप में शुरुआत करता है, बाद में एक डायकोर कार्यकर्ता बन जाता है। जब विजय गुर अपराधी सामंत के लिए काम करने के लिए अपने टकों की पिटाई करता है, तो यह सामंत के प्रतिद्वंदी में से एक मुल्क राज डबर को विजय को अपने आंतरिक घेरे में लाने के लिए प्रभावित करता है। जब विजय डावर के प्रति सामंत के कई सामानों को पकड़ने के लिए सफलतापूर्वक करा लेता है, तो सामंत उसे पैसे से पुरस्कृत करता है, जिससे विजय को अपने परिवार के लिए आलीशान घर खरीदने की अनुमति मिलती है। डावर के लिए अपने काम को जारी रखने के लिए विजय अपनी शिक्षा का भी त्याग कर देता है, ताकि रवि पढ़ाई कर सके। जैसे ही रवि ने पढ़ाई पूरी की है, तो पुलिस कमिश्नर DCP नारंग की बेटी वीरा नारंग को डेट करना शुरू कर दिया है। कमिश्नर के सुझाव पर पुलिस रवि में रोजगार के लिए आवेदन करता है, उसे प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है और कई महीने बाद उसे पुलिस द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है।
और जब इंस्पेक्टर का पद प्राप्त होता है तब रवि लौटता है और अपना पहला काम बॉम्बे के लिए कुछ कट्टर अपराधियों को तस्करों को पकड़ना और गिरफ्तार करना होता है, जिसमें उसका भाई विजय भी शामिल है। उसे बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि उसने कभी भी अपने भाई को आपराधिक गतिविधियों से नहीं जोड़ा था। रवि को विजय को पकड़ने और पुलिस बल छोड़ने के बीच निर्णय लेना होगा। सबसे पहले रवि अपने भाई को गिरफ्तार करने के लिए हिचकिचाता है, लेकिन बाद में वह तब द्रवित हो जाता है जब दो रोटियां चुराने वाले एक लड़के को गोली मार देता है। उसे पकड़ने की कोशिश में जब पछतावाग्रस्त रवि लड़के के परिवार के पास जाता है तो उन्हें कुछ खाना देता और अपना अपराध कबूल करता है। तो माँ रवि को डांटती है, जबकि लड़के के पिता उसे कमरे में वापस भेज देता है। पिता रवि को माफ़ कर देते हैं और अपने कर्तव्य को यह कहकर उचित ठहराते हैं कि लाख या भोजन की चोरी एक ही है, जो अंततः रवि को मामला उठाने के लिए सहमत होने के प्रेरित करता है। जब रवि को पता चलता है कि विजय ने अपराध से धन अर्जित किया है तो उसने सुमित्रा के साथ बाहर जाने का फैसला किया है, जिससे विजय और रवि के बीच झगड़ा शुरू हो गया है। लगभग उसी समय आनंद एक ट्रेन के अंदर मृत पाया जाता है और अपने शरीर का अंतिम संस्कार विजय द्वारा किया जाता है। रवि अब सामंत और डावर दोनों गिरोह को एक सहयोगियों को मारने और गिरफ्तार करने में अपना कार्य पूरा करने का अवसर देता है। यहाँ तक कि डावर को भी रवि द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और अपने परिवार और अपने कई सहयोगियों को खोने के क्रोधित होकर विजय अनीता नाम की एक महिला के साथ रिश्ते में प्रवेश करता है, जिससे उसकी मुलाकात एक बार में होती है। जब अनीता विजय के बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है तो विजय अंडरवर्ल्ड में अपना जीवन त्यागने का फैसला करता है ताकि वह उससे शादी कर सके और अपने पापा को स्वीकार कर सके और सुमित्रा और रवि से माफ़ी मांग सके। तदापि सामंत और उसके गिरोह की मौत के बाद जो हुआ उसके बारे में सुनकर रवि अतिम संघर्ष में विजय से मिलता है और उससे भगाने से रोकने को खुद को आत्मसमर्पण करने का अनुरोध करता है। विजय ने मना कर दिया और एक मंदिर की ओर भागते समय रवि द्वारा उसकी बाह में घातक गोली मार दी गई, जहां वह सुमित्रा के साथ फिर से मिला और माफ़ी मांगी। विजय फिर सुमित्रा की बाहों में मर जाता है, जिससे बेहद टूट जाती है। लगभग उसी समय रवि मंदिर पहुंचता है और विजय के साथ जो हुआ उससे वह पूरी तरह से परेशान हो जाता है। फिर फिल्म का अंत पुलिस द्वारा रवि को न्याय दिलाने और अपराधियों को पकड़ने में उसकी सफल कार्यों के लिए उत्सव की मेज़बानी करने के लिए होता है। हालांकि रवि अभी भी विजय की हत्या के लिए पश्चाताप से भरा हुआ है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। रवि वर्मा के रूप में शशि कपूर है और युवा रवि वर्मा के रूप में राजू श्रेष्ठ है। विजय वर्मा के रूप में अमिताभ बच्चन है, अलंका जोशी एज यंग विजय वर्मा। वीरा नारंग के रूप में नीतू सिंह है, सुमित्रा देवी के रूप में निरूपा रॉय है, अनीता के रूप में परवीन बॉबी है, मनमोहन कृष्णा डीसीपी नारंग के रूप में है, सावंत के रूप में मदनपुरी है, इफ्तिखार मुल्कराज टावर के रूप में है, आनंद वर्मा के रूप में सतसिन कप्पू है, जयचंद्र के रूप में सुधीर है, जगदीश राजेश चक्की है, एस राजकिशोर के रूप में दर्पण है, यूनुस परवेश के रूप में रहीम चाचा है, लच्छू के रूप में राजन वर्मा है, डीके शुप्रो श्रीमान के रूप में है। इसके अतिरिक्त विकास आनंद, मोहन शेरी, मानिकी रानी, कमल कपूर, ए के हैंगल, दुलारी और सत्यदेव दुबे सभी छोटी सी कमियों भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। कोई मर जाए गाने में अरुणा ईरानी एक गेस्ट डांसर के तौर पर नजर आती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की उत्पादकता, कहानी और पटकथा के विषय में। फिल्म की पटकथा कहानियों संवाद सलीम जावेद द्वारा लिखे गए थे। फिल्म के कथानक के लिए मुख्य प्रेरणा 1961 के दिलीप कुमार की फिल्म गूंगा जमुना 1961 थी, जिसमें कानून के विपरीत पक्षों पर दो भाइयों का एक समान आधार था, जिसमें मुख्य किरदार बड़ा अपराधी भाई था। अमिताभ बच्चन की भूमिका आंशिक रूप से महाभारत के कर्ण पर आधारित थी, जबकि शशि कपूर महाभारत के युधिष्ठिर से मिलते जुलते थे। इस प्रकार दीवार को गूंगा जमाना का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना जाता है। सलीम जावेद को श्रेय दिया गया कि गंगा जमुना के साथ साथ महबूब खान और मदर इंडिया दीवार के लिए मुख्य प्रेरणा थी, जिसे उन्होंने अपने विषयों पर अधिक शहरी दीवार मूवी के फैक्टर रिव्यूज। दीवार 1975 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन
फिल्म है। यह यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित और सलीम खान जावेद द्वारा लिखित है। इसमें शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, नीतू सिंह, निरूपा रॉय और परवीन बॉबी हैं। फिल्म गरीब भाइयों की एक जोड़ी की कहानी बताती है जो अपने पिता के गलत आदर्शवाद के कारण अपने परिवार को धोखा देने के लिए बॉम्बे की मलिन बस्तियों में जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं और अंततः खुद को कानून के विरोधी पक्ष में पाते हैं। शीर्षक की दीवार वह दीवार है जो सामाजिक राजनीतिक उथल पुथल के समय में भाग्य और परिस्थितियों के कारण दो भाइयों के बीच उभरी है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं यश चोपड़ा। यह फिल्म सलीम जावेद द्वारा लिखित है। इस फिल्म की उत्पादकता की है गुलशन रॉय ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, नीतू सिंह, निरूपा रॉय, परवीन बॉबी ने। इस फिल्म का छायाकान किया है केसी ने। यह फिल्म टी आर मंगेशकर प्राण मेहरा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां त्रिमूर्ति फिल्म प्राइवेट लिमिटेड है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 24 नवंबर 1975 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 176 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। बॉलीवुड में इसका बजट 36 करोड़ और यूएस में 4.6 मिलियन के बराबर रहा है और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कमाई 210 करोड़ रुपए और यूएस में 26 मिलियन के बराबर रहा है। रिलीज होने पर दीवार समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल रही है। फिल्म की पटकथा, कहानी और संगीत के साथ साथ अभिनय कलाकारों के प्रदर्शन, विशेष रूप से बच्चन कपूर और रोल के प्रदर्शन की प्रशंसा की है। इसे अक्सर एक अभूतपूर्व सिनेमाई उत्कृष्ट कृति बारा जाता है। इंडिया टाइम्स ने दीवार के शीर्ष 25 अवश्य देखे जाने बॉलीवुड फिल्मों के स्थान दिए हैं। साथ ही यह 1001 फिल्मों की सूची में शामिल होने वाली हिंदी भाषा की फिल्मों में से एक है जिन्हें आपको अवश्य देखना चाहिए। बनने से पहले फिल्म का भारतीय सिनेमा के साथ साथ व्यापक भारतीय समाज पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। फिल्म की सत्ता विरोधी विषय और बच्चन का आपराधिक नायक विरोधी सतर्क चरित्र दर्शकों के बीच गूंजता रहा है, जिसमें बच्चन की लोकप्रिय छवि एंग्री यमन के रूप में मजबूत हुई है। बॉलीवुड सिनेमा का फोबस ने फिल्म में बच्चन के प्रदर्शन को भारतीय सिनेमा के 25 महानतम अभिनय प्रदर्शन की सूची में शामिल किया है। इस फिल्म ने लेखक सलीम जोड़ी की सफलता को भी मजबूत किया है, जिन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में लिखी, लेकिन सलीम जावेद की बदौलत फिल्म लेखकों का मूल्य आसमान छू गया, जिन्हें उस समय की प्रमुख अभिनेताओं के बराबर ही भुगतान किया जाता है। दीवार का प्रभाव विश्व सिनेमा तक भी फैला है, जिसने हांगकॉन्ग और ब्रिटिश सिनेमा की फिल्मों को प्रभावित किया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म की शुरुआत ट्रेड यूनिवर्सिटी वादी आनंद वर्मा के मजबूत नेतृत्व के चित्रण से होती है, जो संघर्षरत मजदूरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। वह अपनी पत्नी सुमित्रा देवी, अपने दो छोटे बेटों विजय और रवि के साथ एक साधारण घर में रहते हैं। हालांकि चीज़ें तब और ख़राब हो जाती हैं जब आनंद को एक भ्रष्ट व्यवसायी द्वारा ब्लैकमेल किया जाता है, जो आनंद को अपनी विरोधी गतिविधियों को बंद नहीं करने पर उसके परिवार को मारने की धमकी देता है। अनुपालन के समय मजबूर होने पर आनंद पर उन्हीं मजदूरों द्वारा हमला किया जाता है जो उसके विश्वासघात के लिए उसका मजाक उड़ाते हैं, जो इस बात से अनजान है कि ऐसा करने के लिए उन्हें ब्लैकमेल किया गया था। उनके परिवार पर भी नाराज कार्यकर्ताओं के अत्याचार किया है। शर्म के मारे आनंद ने शहर छोड़ दिया और सुमित्रा को गरीबी में अकेले अपने बेटों की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया। मेरा बाप चोर है यह नहीं पता और क्या करना है। सुमित्रा अपने बच्चों को मुंबई ले जाती और अपने बेटों की देखभाल के लिए दिहाड़ी मजदूर के रूप में संघर्ष करती है। जैसे जैसे लड़के बड़े होकर युवा बनते हैं, विजय अपने पिता की विफलता के प्रति तीव्र जागरूकता के साथ बड़ा होता है, क्योंकि वह अपने पिता की कथित कुकर्मों का शिकार बनाया गया था। अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रक्रिया में विजय एक बूट पॉलिशर्स के रूप में शुरुआत करता है, बाद में एक डायकोट कार्यकर्ता बन जाता है। जब विजय पूर्व अपराधी सामंत के लिए काम करने के लिए अपने टकों की पिटाई करता है तो यह सामंत के प्रतिनिधि में से एक मुल्क राज डॉट को विजय को अपने आंतरिक घेरे में लाने के लिए प्रभावित करता है।
जब विजय दावत के प्रति सामंत के कई सामानों को पकड़ने के लिए सफलतापूर्वक करा लेता है तो सामंत उसे पैसे से पुरस्कृत करता है, जिससे विजय को अपने परिवार के लिए आलीशान घर खरीदने की अनुमति मिलती है। दावर के लिए अपने काम को जारी रखने के लिए विजय अपनी शिक्षा का भी त्याग कर देता है ताकि रवि पढ़ाई कर सके। जैसे ही रवि ने पढ़ाई पूरी की है तो पुलिस कमिश्नर DCP नारंग की बेटी वीरा नारंग को डेट करना शुरू कर दिया है। कमिश्नर के सुझाव पर पुलिस रवि में रोजगार के लिए आवेदन करता है। उसे प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है और कई महीने बाद उसे पुलिस द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। और जब इंस्पेक्टर का पद प्राप्त होता है तब रवि लौटता है और अपना पहला काम बॉम्बे के लिए कुछ कट्टर अपराधियों को तस्करों को पकड़ना और गिरफ्तार करना होता है, जिसमें उसका भाई विजय भी शामिल है। उसे बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि उसने कभी भी अपने भाई को आपराधिक गतिविधियों से नहीं जोड़ा था। रवि को विजय को पकड़ने और पुलिस बल छोड़ने के बीच निर्णय लेना होगा। सबसे पहले रवि अपने भाई को गिरफ्तार करने के लिए हिचकिचाता है, लेकिन बाद में वह तब द्रवित हो जाता है जब दो रोटियां चुराने वाले एक लड़के को गोली मार देता है। उसे पकड़ने की कोशिश में जब पछतावाग्रस्त रवि लड़के के परिवार के पास जाता है तो उन्हें कुछ खाना देता और अपना अपराध कबूल करता है। तो माँ रवि को डांटती है, जबकि लड़के के पिता उसे कमरे में वापस भेज देता है। पिता रवि को माफ़ कर देते हैं और अपने कर्तव्य को यह कहकर उचित ठहराते हैं कि लाख या भोजन की चोरी एक ही है, जो अंततः रवि को मामला उठाने के लिए सहमत होने के प्रेरित करता है। जब रवि को पता चलता है कि विजय ने अपराध से धन अर्जित किया है तो उसने सुमित्रा के साथ बाहर जाने का फैसला किया है, जिससे विजय और रवि के बीच झगड़ा शुरू हो गया है। लगभग उसी समय आनंद एक ट्रेन के अंदर मृत पाया जाता है और अपने शरीर का अंतिम संस्कार विजय द्वारा किया जाता है। रवि अब सामंत और डावर दोनों गिरोह को एक सहयोगियों को मारने और गिरफ्तार करने में अपना कार्य पूरा करने का अवसर देता है। यहाँ तक कि दावर को भी रवि द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और अपने परिवार और अपने कई सहयोगियों को खोने के क्रोधित होकर विजय अनीता नाम की एक महिला के साथ रिश्ते में प्रवेश करता है, जिससे उसकी मुलाकात एक बार में होती है। जब अनीता विजय के बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है तो विजय अंडरवर्ल्ड में अपना जीवन त्यागने का फैसला करता है ताकि वह उससे शादी कर सके और अपने पापों को स्वीकार कर सके और सुमित्रा और रवि से माफ़ी मांग सके। तदापि सामंत और उसके गिरोह की मौत के बाद जो हुआ उसके बारे में सुनकर रवि अतिम संघर्ष में विजय से मिलता है और उससे भगाने से रोकने को खुद को आत्मसमर्पण करने का अनुरोध करता है। विजय ने मना कर दिया और एक मंदिर की ओर भागते समय रवि द्वारा उसकी बाह में घातक गोली मार दी गई, जहाँ वह सुमित्रा के साथ फिर से मिला और माफ़ी मांगी। विजय फिर सुमित्रा की बाहों में मर जाता है, जिससे बेहद टूट जाती है। लगभग उसी समय रवि मंदिर पहुँचता है और विजय के साथ जो हुआ उससे वह पूरी तरह से परेशान हो जाता है। फिर फिल्म का अंत पुलिस द्वारा रवि को न्याय दिलाने और अपराधियों को पकड़ने में उसकी सफल कार्यों के लिए उत्सव की मेज़बानी करने के लिए होता है। हालांकि रवि अभी भी विजय की हत्या के लिए पश्चाताप से भरा हुआ है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। रवि वर्मा के रूप में शशि कपूर है और युवा रवि वर्मा के रूप में राजू श्रेष्ठ है। विजय वर्मा के रूप में अमिताभ बच्चन है, अलंका जोशी एज यंग विजय वर्मा। वीरा नारंग के रूप में नीतू सिंह है, सुमित्रा देवी के रूप में निरूपा रॉय है, अनीता के रूप में परवीन बॉबी है, मनमोहन कृष्णा DCP नारंग के रूप में है, सामंत के रूप में मदनपुरी है, इफ्तिखार मुल्कराज टावर के रूप में है, आनंद वर्मा के रूप में सत्यसेन कप्पू है, जयचंद्र के रूप में सुधीर है, जगदीश राजेश चक्की है, एस राजकिशोर के रूप में दर्पण है, यूनुस परवेश के रूप में रहीम चाचा है, लच्छू के रूप में राजन वर्मा है, डीके शुप्रू श्रीमान के रूप में है। इसके अतिरिक्त विकास आनंद, मोहन शेरी, मानिकी रानी, कमल कपूर, AK हैंगल, दुलारी और सत्यदेव दुबे सभी छोटी सी कमियों भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। कोई मर जाए गाने में अरुणा ईरानी एक गेस्ट डांसर के तौर पर नजर आती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की उत्पादकता कहानी और पटकथा के विषय में। फिल्म की पटकथा कहानी और संवाद सलीम जावेद द्वारा लिखे गए थे। फिल्म की कथानक के लिए मुख्य प्रेरणा 1961 के दिलीप कुमार की फिल्म गूंगा जमुना 1961 थी, जिसमें कानून के
विपरीत पक्षों पर दो भाइयों का एक समान आधार था, जिसमें मुख्य किरदार पर अपराधी बाईता अमिताभ बच्चन की भूमिका आंशिक रूप से महाभारत के कर्ण पर आधारित थी, जबकि शशि कपूर महाभारत के रजिस्टर से मिलते जुलते थे। इस प्रकार दीवार को गुंगा जमाना का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना जाता है। सलीम जावेद को श्रेय दिया गया कि गंगा जमुना के साथ साथ महबूब खान और मदर इंडिया दीवार के लिए मुख्य प्रेरणा थी, जिसे उन्होंने अपने विषयों पर अधिक सहरी दीवार मूवी के फैक्टर रिव्यूज। दीवार 1975 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन स्टंट फिल्म है। यह यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित और सलीम जावेद सलीम खान जावेद द्वारा लिखित है। इसमें शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, नीतू सिंह, निरूपा रॉय और परवीन बॉबी हैं। फिल्म गरीब भाइयों की एक जोड़ी की कहानी बताती है, जो अपने पिता के गलत आदर्शवाद के कारण अपने परिवार को धोखा देने के लिए बॉम्बे की मलिन बस्तियों में जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं और अंततः खुद को कानून के विरोधी पक्ष में पाते हैं। शीर्षक की दीवार वह दीवार है जो सामाजिक राजनीतिक उथल पुथल के समय में भाग्य और परिस्थितियों के कारण दो भाइयों के बीच उभरी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं यश चोपड़ा। यह फिल्म सलीम जावेद द्वारा लिखित है। इस फिल्म की उत्पादकता की है गुलशन रॉय ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, नीतू सिंह, निरूपा रॉय, परवीन बॉबी ने। इस फिल्म का छायांकन किया है केसी ने। यह फिल्म टी आर मंगेशकर प्राण मेहरा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म प्राइवेट लिमिटेड है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 24 नवंबर 1975 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 176 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। बॉलीवुड में इसका बजट 36 करोड़ और यूएस में 4.6 मिलियंस के बराबर रहा है और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कमाई 210 करोड़ रुपए और यूएस में 26 मिलियंस के बराबर रहा है। रिलीज होने पर दीवार समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल रही है। फिल्म की पटकथा, कहानियों, संगीत के साथ साथ अभिनय कलाकारों के प्रदर्शन, विशेष रूप से बच्चन कपूर और रॉय के प्रदर्शन की प्रशंसा की है। इसे अक्सर एक अभूतपूर्व सिनेमाई उत्कृष्ट कृति माना जाता है। इंडिया टाइम्स ने दीवार के शीर्ष 25 अवश्य देखे जाने बॉलीवुड फिल्मों के स्थान दिए हैं। साथ ही यह 1001 फिल्मों की सूची में शामिल होने वाली हिंदी भाषा की फिल्मों में से एक है, जिन्हें आपको अवश्य देखना चाहिए। बनने से पहले फिल्म का भारतीय सिनेमा के साथ साथ व्यापक भारतीय समाज पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। फिल्म की सत्ता विरोधी विषय और बच्चन का आपराधिक नायक विरोधी सतर्क चरित्र दर्शकों के बीच गूंजता रहा है, जिसमें बच्चन की लोकप्रिय छवि एंग्री यमन के रूप में मजबूत हुई है। बॉलीवुड सिनेमा का फोबस ने फिल्म में बच्चन के प्रदर्शन को भारतीय सिनेमा के 25 महानतम अभिनय प्रदर्शन की सूची में शामिल किया है। इस फिल्म ने लेखक सलीम जोड़ी की सफलता को भी मजबूत किया है, जिन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में लिखी, लेकिन सलीम जावेद की बदौलत फिल्म लेखकों का मूल्य आसमान छू गया, जिन्हें उस समय की प्रमुख अभिनेताओं के बराबर ही भुगतान किया जाता है। दीवार का प्रभाव विश्व सिनेमा तक भी फैला है, जिसने हांगकॉन्ग और ब्रिटिश सिनेमा की फिल्मों को प्रभावित किया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म की शुरुआत ट्रेड यूनिवर्सिटीवादी आनंद वर्मा के मजबूत नेतृत्व के चित्रण से होती है, जो संघर्षरत मजदूरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। वह अपनी पत्नी सुमित्रा देवी, अपने दो छोटे बेटों विजय और रवि के साथ एक साधारण घर में रहते हैं। हालांकि चीज़ें तब और ख़राब हो जाती हैं जब आनंद को एक भ्रष्ट व्यवसायी द्वारा ब्लैकमेल किया जाता है, जो आनंद को अपनी विरोधी गतिविधियों को बंद नहीं करने पर उसके परिवार को मारने की धमकी देता है। अनुपालन के समय मजबूर होने पर आनंद पर उन्हीं मजदूरों द्वारा हमला किया जाता है, जो उसके विश्वासघात के लिए उसका मजाक उड़ाते हैं, जो इस बात से अनजान है कि ऐसा करने के लिए उन्हें ब्लैकमेल किया गया था। उनके परिवार पर भी नाराज कार्यकर्ताओं के अत्याचार किया है। शर्म के मारे आनंद ने शहर छोड़ दिया और सुमित्रा को गरीबी में अकेले अपने बेटों की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया। मेरा बाप चोर है यह नहीं पता,
और क्या करना है। सुमित्रा अपने बच्चों को मुंबई ले जाती है और अपने बेटों की देखभाल के लिए दिहाड़ी मजदूर के रूप में संघर्ष करती है। जैसे जैसे लड़के बड़े होकर युवा बनते हैं, विजय अपने पिता की विफलता के प्रति तीव्र जागरूकता के साथ बड़ा होता है, क्योंकि वह अपने पिता की कथित कुकर्मों का शिकार बनाया गया था। अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रक्रिया में विजय एक बूथ पॉलिशर्स के रूप में शुरुआत करता है, बाद में एक डायकोर कार्यकर्ता बन जाता है। जब विजय घोर अपराधी सामंत के लिए काम करने के लिए अपने टरों की पिटाई करता है, तो यह सामंत के प्रतिनिधि में से एक मुल्क राज डॉर को विजय को अपने आंतरिक घेरे में लाने के लिए प्रभावित करता है। जब विजय दावत के प्रति सामंत के कई सामानों को पकड़ने के लिए सफलतापूर्वक करा लेता है, तो सामंत उसे पैसे से पुरस्कृत करता है, जिससे विजय को अपने परिवार के लिए आलीशान घर खरीदने की अनुमति मिलती है। दावर के लिए अपने काम को जारी रखने के लिए विजय अपनी शिक्षा का भी त्याग कर देता है ताकि रवि पढ़ाई कर सके। जैसे ही रवि ने पढ़ाई पूरी की है, तो पुलिस कमिश्नर DCP नारंग की बेटी वीरा नारंग को डेट करना शुरू कर दिया है। कमिश्नर के सुझाव पर पुलिस रवि में रोजगार के लिए आवेदन करता है, उसे परीक्षण के लिए भेजा जाता है और कई महीने बाद उसे पुलिस द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। और जब इंस्पेक्टर का पद प्राप्त होता है, तब रवि लौटता है और अपना पहला काम बॉम्बे के लिए कुछ कट्टर अपराधियों को तस्करों को पकड़ना और गिरफ्तार करना होता है, जिसमें उसका भाई विजय भी शामिल है। उसे बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसने कभी भी अपने भाई को आपराधिक गतिविधियों से नहीं जोड़ा था। रवि को विजय को पकड़ने और पुलिस बल छोड़ने के बीच निर्णय लेना होगा। सबसे पहले रवि अपने भाई को गिरफ्तार करने के लिए हिचकिचाता है, लेकिन बाद में वह तब द्रवित हो जाता है जब दो रोटियां चुराने वाले एक लड़के को गोली मार देता है। उसे पकड़ने की कोशिश में जब पछतावाग्रस्त रवि लड़के के परिवार के पास जाता है, तो उन्हें कुछ खाना देता और अपना अपराध कबूल करता है। तो माँ रवि को डांटती है, जबकि लड़के के पिता उसे कमरे में वापस भेज देता है। पिता रवि को माफ़ कर देते हैं और अपने कर्तव्य को यह कहकर उचित ठहराते हैं कि लाख या भोजन की चोरी एक ही है, जो अंततः रवि को मामला उठाने के लिए सहमत होने के प्रेरित करता है। जब रवि को पता चलता है कि विजय ने अपराध से धन अर्जित किया है, तो उसने सुमित्रा के साथ बाहर जाने का फैसला किया है, जिससे विजय और रवि के बीच झगड़ा शुरू हो गया है। लगभग उसी समय आनंद एक ट्रेन के अंदर मृत पाया जाता है और अपने शरीर का अंतिम संस्कार विजय द्वारा किया जाता है। रवि अब सामंत और डावर दोनों गिरोह को एक सहयोगियों को मारने और गिरफ्तार करने में अपना कार्य पूरा करने का अवसर देता है। यहाँ तक कि दावर को भी रवि द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और अपने परिवार और अपने कई सहयोगियों को खोने के क्रोधित होकर विजय अनीता नाम की एक महिला के साथ रिश्ते में प्रवेश करता है, जिससे उसकी मुलाकात एक बार में होती है। जब अनीता विजय के बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है, तो विजय अंडरवर्ल्ड में अपना जीवन त्यागने का फैसला करता है ताकि वह उससे शादी कर सके और अपने पापों को स्वीकार कर सके और सुमित्रा और रवि से माफ़ी मांग सके। तथापि सामंत और उसके गिरोह की मौत के बाद जो हुआ उसके बारे में सुनकर रवि अतिम संघर्ष में विजय से मिलता है और उससे भगाने से रोकने को खुद को आत्मसमर्पण करने का अनुरोध करता है। विजय ने मना कर दिया और एक मंदिर की ओर भागते समय रवि द्वारा उसकी बाह में घातक गोली मार दी गई, जहाँ वह सुमित्रा के साथ फिर से मिला और माफ़ी मांगी। विजय फिर सुमित्रा की बाहों में मर जाता है, जिससे बेहद टूट जाती है। लगभग उसी समय रवि मंदिर पहुंचता है और विजय के साथ जो हुआ उससे वह पूरी तरह से परेशान हो जाता है। फिर फिल्म का अंत पुलिस द्वारा रवि को न्याय दिलाने और अपराधियों को पकड़ने में उसकी सफल कार्य के लिए उत्सव की मेज़बानी करने के लिए होता है। हालांकि रवि अभी भी विजय की हत्या के लिए पश्चाताप से भरा हुआ है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। रवि वर्मा के रूप में शशि कपूर है और युवा रवि वर्मा के रूप में राजू श्रेष्ठ है। विजय वर्मा के रूप में अमिताभ बच्चन है, अलंका जोशी एज यंग विजय वर्मा। वीरा नारंग के रूप में नीतू सिंह है, सुमित्रा देवी के रूप में निरूपा रॉय है, अनिता के रूप में परवीन बॉबी है, मनमोहन कृष्णा DCP नारंग के रूप में है, सामंत के रूप में मदनपुरी है, इफ्तिखार मुल्कराज टावर के रूप में है, आनंद वर्मा के रूप में सतसेन कप्पू है, जयचंद्र के रूप में सुधीर है, जगदीश राजेश चक्की है, एस
राज किशोर के रूप में दर्पण है, यूनुस परवेज के रूप में रहीम चाचा है, लच्छू के रूप में राजन वर्मा है, डीके शुप्रू श्रीमान के रूप में है। इसके अतिरिक्त विकास आनंद, मोहन शेरी, मानिकी रानी, कमल कपूर, ए के हैंगल, दुलारी और सत्यदेव दुबे सभी छोटी सी कमियों भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। कोई मर जाए गाने में अरुणा ईरानी एक गेस्ट डांसर के तौर पर नजर आती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की उत्पादकता, कहानी और पटकथा के विषय में। फिल्म की पटकथा, कहानी और संवाद सलीम जावेद द्वारा लिखे गए थे। फिल्म के कथानक के लिए मुख्य प्रेरणा 1961 के दिलीप कुमार की फिल्म गूंगा जमुना 1961 थी, जिसमें कानून के विपरीत पक्षों पर दो भाइयों का एक समान आधार था, जिसमें मुख्य किरदार बड़ा अपराधी भाई था। अमिताभ बच्चन की भूमिका आंशिक रूप से महाभारत के कर्ण पर आधारित थी, जबकि शशि कपूर महाभारत के युधिष्ठिर से मिलते जुलते थे। इस प्रकार दीवार को गूंगा जमाना का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना जाता है। सलीम जावेद को श्रेय दिया गया कि गंगा जमुना के साथ साथ महबूब खान और मदर इंडिया दीवार के लिए मुख्य प्रेरणा थी, जिसे उन्होंने अपने विषयों पर अधिक शहरी। दीवार मूवी के फैक्टर रिव्यूज। दीवार 1975 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन स्टंट फिल्म है। यह यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित और सलीम जावेद, सलीम खान, जावेद द्वारा लिखित है। इसमें शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, नीतू सिंह, निरूपा रॉय और परवीन बॉबी हैं। फिल्म गरीब भाइयों की एक जोड़ी की कहानी बताती है, जो अपने पिता के गलत आदर्शवाद के कारण अपने परिवार को धोखा देने के लिए बॉम्बे की मलिन बस्तियों में जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं और अंततः खुद को कानून के विरोधी पक्ष में पाते हैं। शीर्षक की दीवार वह दीवार है जो सामाजिक राजनीतिक उथल पुथल के समय में भाग्य और परिस्थितियों के कारण दो भाइयों के बीच उभरी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं यश चोपड़ा। यह फिल्म सलीम जावेद द्वारा लिखित है। इस फिल्म की उत्पादकता की है गुलशन रॉय ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, नीतू सिंह, निरूपा रॉय, परवीन बॉबी ने। इस फिल्म का छायांकन किया है केसी ने। यह फिल्म टी आर मंगेशकर, प्राण मेहरा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां त्रिमूर्ति फिल्म प्राइवेट लिमिटेड है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 24 नवंबर 1975 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 176 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। बॉलीवुड में इसका बजट 36 करोड़ और US में 4.6 मिलियन के बराबर रहा है और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कमाई 210 करोड़ रुपए और US में 26 मिलियन के बराबर रहा है। रिलीज होने पर दीवार समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल रही है। फिल्म की पटकथा, कहानी और संगीत के साथ साथ अभिनय कलाकारों के प्रदर्शन, विशेष रूप से बच्चन कपूर और रोल के प्रदर्शन की प्रशंसा की है। इसे अक्सर एक अभूतपूर्व सिनेमाई उत्कृष्ट कृति मारा जाता है। इंडिया टाइम्स ने दीवार के शीर्ष 25 अवश्य देखे जाने बॉलीवुड फिल्मों के स्थान दिए हैं। साथ ही यह 1001 फिल्मों की सूची में शामिल होने वाली हिंदी भाषा की फिल्मों में से एक है, जिन्हें आपको अवश्य देखना चाहिए। बनने से पहले फिल्म का भारतीय सिनेमा के साथ साथ व्यापक भारतीय समाज पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। फिल्म की सत्ता विरोधी विषय और बच्चन का आपराधिक नायक विरोधी सतर्क चरित्र दर्शकों के बीच गूंजता रहा है, जिसमें बच्चन की लोकप्रिय छवि एंग्री यमन के रूप में मजबूत हुई है। बॉलीवुड सिनेमा का फोबस ने फिल्म में बच्चन के प्रदर्शन को भारतीय सिनेमा के 25 महानतम अभिनय प्रदर्शन की सूची में शामिल किया है। इस फिल्म ने लेखक सलीम जोड़ी की सफलता को भी मजबूत किया है, जिन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में लिखी, लेकिन सलीम जावेद की बदौलत फिल्म लेखकों का मूल्य आसमान छू गया, जिन्हें उस समय के प्रमुख अभिनेताओं के बराबर ही भुगतान किया जाता है। दीवार का प्रभाव विश्व सिनेमा तक भी फैला है, जिसने हांगकॉन्ग और ब्रिटिश सिनेमा की फिल्मों को प्रभावित किया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म की शुरुआत ट्रेड यूनिवर्सिटीवादी आनंद वर्मा के मजबूत नेतृत्व के चित्रण से होती है, जो संघर्षरत मजदूरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। वह अपनी पत्नी सुमित्रा देवी, अपने दो छोटे बेटों विजय और रवि के साथ एक साधारण घर में रहते हैं। हालांकि चीज़ें तब और ख़राब हो जाती हैं जब आनंद को एक
भ्रष्ट व्यवसायी द्वारा ब्लैकमेल किया जाता है, जो आनंद को अपनी विरोधी गतिविधियों को बंद नहीं करने पर उसके परिवार को मारने की धमकी देता है। अनुपालन के समय मजबूर होने पर आनंद पर उन्हीं मजदूरों द्वारा हमला किया जाता है जो उसके विश्वासघात के लिए उसका मजाक उड़ाते हैं, जो इस बात से अनजान है कि ऐसा करने के लिए उन्हें ब्लैकमेल किया गया था। उनके परिवार पर भी नाराज कार्यकर्ताओं के अत्याचार किया है। शर्म के मारे आनंद ने शहर छोड़ दिया और सुमित्रा को गरीबी में अकेले अपने बेटों की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया। मेरा बाप चोर है यह नहीं पता और क्या करना है। सुमित्रा अपने बच्चों को मुंबई ले जाती और अपने बेटों की देखभाल के लिए दिहाड़ी मजदूर के रूप में संघर्ष करती है। जैसे जैसे लड़के बड़े होकर युवा बनते हैं, विजय अपने पिता की विफलता के प्रति तीव्र जागरूकता के साथ बड़ा होता है, क्योंकि वह अपने पिता की कथित कुकर्मों का शिकार बनाया गया था। अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रक्रिया में विजय एक बूट पॉलिशर्स के रूप में शुरुआत करता है, बाद में एक डायकोट कार्यकर्ता बन जाता है। जब विजय गुर अपराधी सामंत के लिए काम करने के लिए अपने टहों की पिटाई करता है तो यह सामंत के प्रतिनिधि में से एक मुल्क राज डॉक्टर को विजय को अपने आंतरिक घेरे में लाने के लिए प्रभावित करता है। जब विजय दावा के प्रति सामंत के कई सामानों को पकड़ने के लिए सफलतापूर्वक करा लेता है तो सामंत उसे पैसे से पुरस्कृत करता है, जिससे विजय को अपने परिवार के लिए आलीशान घर खरीदने की अनुमति मिलती है। डावर के लिए अपने काम को जारी रखने के लिए विजय अपनी शिक्षा का भी त्याग कर देता है ताकि रवि पढ़ाई कर सके। जैसे ही रवि ने पढ़ाई पूरी की है तो पुलिस कमिश्नर DCP नारंग की बेटी वीरा नारंग को डेट करना शुरू कर दिया है। कमिश्नर के सुझाव पर पुलिस रवि में रोजगार के लिए आवेदन करता है, उसे परीक्षण के लिए भेजा जाता है और कई महीने बाद उसे पुलिस द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। और जब इंस्पेक्टर का पद प्राप्त होता है तब रवि लौटता है और अपना पहला काम बॉम्बे के लिए कुछ कट्टर अपराधियों को तस्करों को पकड़ना और गिरफ्तार करना होता है, जिसमें उसका भाई विजय भी शामिल है। उसे बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि उसने कभी भी अपने भाई को आपराधिक गतिविधियों से नहीं जोड़ा था। रवि को विजय को पकड़ने और पुलिस बल छोड़ने के बीच निर्णय लेना होगा। सबसे पहले रवि अपने भाई को गिरफ्तार करने के लिए हिचकिचाता है, लेकिन बाद में वह तब द्रवित हो जाता है जब दो रोटियां चुराने वाले एक लड़के को गोली मार देता है। उसे पकड़ने की कोशिश में जब पछतावाग्रस्त रवि लड़के के परिवार के पास जाता है तो उन्हें कुछ खाना देता और अपना अपराध कबूल करता है। तो माँ रवि को डांटती है, जबकि लड़के के पिता उसे कमरे में वापस भेज देता है। पिता रवि को माफ़ कर देते हैं और अपने कर्तव्य को यह कहकर उचित ठहराते हैं कि लाख या भोजन की चोरी एक ही है, जो अंततः रवि को मामला उठाने के लिए सहमत होने के प्रेरित करता है। जब रवि को पता चलता है कि विजय ने अपराध से धन अर्जित किया है तो उसने सुमित्रा के साथ बाहर जाने का फैसला किया है, जिससे विजय और रवि के बीच झगड़ा शुरू हो गया है। लगभग उसी समय आनंद एक ट्रेन के अंदर मृत पाया जाता है और अपने शरीर का अंतिम संस्कार विजय द्वारा किया जाता है। रवि अब सामंत और डावर दोनों गिरोह को एक सहयोगियों को मारने और गिरफ्तार करने में अपना कार्य पूरा करने का अवसर देता है। यहाँ तक कि डावर को भी रवि द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और अपने परिवार और अपने कई सहयोगियों को खोने के क्रोधित होकर विजय अनीता नाम की एक महिला के साथ रिश्ते में प्रवेश करता है, जिससे उसकी मुलाकात एक बार में होती है। जब अनीता विजय के बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है तो विजय अंडरवर्ल्ड में अपना जीवन त्यागने का फैसला करता है ताकि वह उससे शादी कर सके और अपने पापों को स्वीकार कर सके और सुमित्रा और रवि से माफ़ी मांग सके। तदापि सामंत और उसके गिरोह की मौत के बाद जो हुआ उसके बारे में सुनकर रवि अंतिम संघर्ष में विजय से मिलता है और उससे भगाने से रोकने को खुद को आत्मसमर्पण करने का अनुरोध करता है। विजय ने मना कर दिया और एक मंदिर की ओर भागते समय रवि द्वारा उसकी बाह में घातक गोली मार दी गई, जहां वह सुमित्रा के साथ फिर से मिला और माफ़ी मांगी। विजय फिर सुमित्रा की बाहों में मर जाता है, जिससे बेहद टूट जाती है। लगभग उसी समय रवि मंदिर पहुंचता है और विजय के साथ जो हुआ उससे वह पूरी तरह से परेशान हो जाता है। फिर फिल्म का अंत पुलिस द्वारा रवि को न्याय दिलाने और अपराधियों को पकड़ने में उसकी सफल कार्यों के लिए उत्सव की मेज़बानी करने के लिए होता है। हालांकि रवि अभी भी विजय की हत्या के लिए पश्चाताप से भरा हुआ है।
चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। रवि वर्मा के रूप में शशि कपूर है और युवा रवि वर्मा के रूप में राजू श्रेष्ठ है। विजय वर्मा के रूप में अमिताभ बच्चन है, अलंका जोशी एज यंग विजय वर्मा। वीरा नारंग के रूप में नीतू सिंह है, सुमित्रा देवी के रूप में निरूपा रॉय है, अनिता के रूप में परवीन बॉबी है, मनमोहन कृष्णा डीसीपी नारंग के रूप में है, सावंत के रूप में मदनपुरी है, इफ्तिखार मुल्क राज टावर के रूप में है, आनंद वर्मा के रूप में सत्यसेन कप्पू है, जयचंद्र के रूप में सुधीर है, जगदीश राज एस चक्की है, एस राजकिशोर के रूप में दर्पण है, यूनुस परवेश के रूप में रहीम चाचा है, लच्छू के रूप में राजन वर्मा है, डीके शुप्रो श्रीमान के रूप में है। इसके अतिरिक्त विकास आनंद, मोहन शेरी, मानिकी रानी, कमल कपूर, ए के हैंगल, दुलारी और सत्यदेव दुबे सभी छोटी सी कमियों भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। कोई मर जाए गाने में अरुणा ईरानी एक गेस्ट डांसर के तौर पर नजर आती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की उत्पादकता कहानी और पटकथा के विषय में। फिल्म की पटकथा कहानी और संवाद सलीम जावेद द्वारा लिखे गए थे। फिल्म के कथानक के लिए मुख्य प्रेरणा 1961 के दिलीप कुमार की फिल्म गूंगा जमुना 1961 थी, जिसमें कानून के विपरीत पक्षों पर दो भाइयों का एक समान आधार था, जिसमें मुख्य किरदार पर अपराधी भाई था। अमिताभ बच्चन की भूमिका आंशिक रूप से महाभारत के कर्ण पर आधारित थी, जबकि शशि कपूर महाभारत के रजिस्टर से मिलते जुलते थे। इस प्रकार दीवार को गूंगा जमाना का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना जाता है। सलीम जावेद को श्रेय दिया गया कि गंगा जमुना के साथ साथ महबूब खान और मदर इंडिया दीवार के लिए मुख्य प्रेरणा थी, जिसे उन्होंने अपने विषयों पर अधिक शहरी दीवार मूवी के फैक्टर रिव्यूज। दीवार 1975 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम फिल्म है। यह यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित और सलीम जावेद, सलीम खान, जावेद द्वारा लिखित है। इसमें शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, नीतू सिंह, निरूपा रॉय और परवीन बॉबी हैं। फिल्म गरीब भाइयों की एक जोड़ी की कहानी बताती है, जो अपने पिता के गलत आदर्शवाद के कारण अपने परिवार को धोखा देने के लिए बॉम्बे की मलिन बस्तियों में जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं और अंततः खुद को कानून के विरोधी पक्ष में पाते हैं। शीर्षक की दीवार वह दीवार है जो सामाजिक राजनीतिक उथल पुथल के समय में भाग्य और परिस्थितियों के कारण दो भाइयों के बीच उभरी है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं यश चोपड़ा। यह फिल्म सलीम जावेद द्वारा लिखी है। इस फिल्म की उत्पादकता की है गुलशन रॉय ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, नीतू सिंह, निरूपा रॉय, परवीन बॉबी ने। इस फिल्म का छायांकन किया है केसी ने। यह फिल्म टी आर मंगेशकर प्राण मेहरा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां त्रिमूर्ति फिल्म प्राइवेट लिमिटेड है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 24 नवंबर 1975 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 176 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। बॉलीवुड में इसका बजट 36 करोड़ और US में 4.6 मिलियंस के बराबर रहा है और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कमाई 210 करोड़ रुपए और US में 26 मिलियंस के बराबर रहा है। रिलीज होने पर दीवार समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल रही है। फिल्म की पटकथा कहानी और संगीत के साथ साथ अभिनय कलाकारों के प्रदर्शन, विशेष रूप से बच्चन कपूर और रॉय के प्रदर्शन की प्रशंसा की है। इसे अक्सर एक अभूतपूर्व सिनेमाई उत्कृष्ट कृति माना जाता है। इंडिया टाइम्स ने दीवार के शीर्ष 25 अवश्य देखे जाने बॉलीवुड फिल्मों के स्थान दिए हैं। साथ ही यह 1001 फिल्मों की सूची में शामिल होने वाली हिंदी भाषा की फिल्मों में से एक है, जिन्हें आपको अवश्य देखना चाहिए। बनने से पहले फिल्म का भारतीय सिनेमा के साथ साथ व्यापक भारतीय समाज पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। फिल्म की सत्ता विरोधी विषय और बच्चन का आपराधिक नायक विरोधी सतर्क चरित्र दर्शकों के बीच गूंजता रहा है, जिसमें बच्चन की लोकप्रिय छवि एंग्री यमन के रूप में मजबूत हुई है। बॉलीवुड सिनेमा का फोबस ने फिल्म में बच्चन के प्रदर्शन को भारतीय सिनेमा के 25 महानतम अभिनय प्रदर्शन की सूची में शामिल किया है।
इस फिल्म ने लेखक सलीम जोड़ी की सफलता को भी मजबूत किया है, जिन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में लिखी, लेकिन सलीम जावेद की बदौलत फिल्म लेखकों का मूल्य आसमान छू गया, जिन्हें उस समय की प्रमुख अभिनेताओं के बराबर ही भुगतान किया जाता है। दीवार का प्रभाव विश्व सिनेमा तक भी फैला है, जिसने हांगकांग और ब्रिटिश सिनेमा की फिल्मों को प्रभावित किया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म की शुरुआत ट्रेड यूनिवर्सिटीवादी आनंद वर्मा के मजबूत नेतृत्व के चित्रण से होती है, जो संघर्षरत मजदूरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। वह अपनी पत्नी सुमित्रा देवी और अपने दो छोटे बेटों विजय और रवि के साथ एक साधारण घर में रहते हैं। हालांकि चीज़ें तब और ख़राब हो जाती हैं जब आनंद को एक भ्रष्ट व्यवसायी द्वारा ब्लैकमेल किया जाता है, जो आनंद को अपनी विरोधी गतिविधियों को बंद नहीं करने पर उसके परिवार को मारने की धमकी देता है। अनुपालन के समय मजबूर होने पर आनंद पर उन्हीं मजदूरों द्वारा हमला किया जाता है, जो उसके विश्वासघात के लिए उसका मजाक उड़ाते हैं, जो इस बात से अनजान है कि ऐसा करने के लिए उन्हें ब्लैकमेल किया गया था। उनके परिवार पर भी नाराज कार्यकर्ताओं के अत्याचार किया है। शर्म के मारे आनंद ने शहर छोड़ दिया और सुमित्रा को गरीबी में अकेले अपने बेटों की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया। मेरा बाप चोर है यह नहीं पता और क्या करना है, सुमित्रा अपने बच्चों को मुंबई ले जाती और अपने बेटों की देखभाल के लिए दिहाड़ी मजदूर के रूप में संघर्ष करती है। जैसे जैसे लड़के बड़े होकर युवा बनते हैं, विजय अपने पिता की विफलता के प्रति तीव्र जागरूकता के साथ बड़ा होता है, क्योंकि वह अपने पिता की कथित कुकर्मों का शिकार बनाया गया था। अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रक्रिया में विजय एक बूट पॉलिशर्स के रूप में शुरुआत करता है, बाद में एक डायकोट कार्यकर्ता बन जाता है। जब विजय गुड़ अपराधी सामान के लिए काम करने के लिए अपने टकों की पिटाई करता है, तो यह सामंत के प्रतिनिधि में से एक मुल्क राज डॉन को विजय को अपने आंतरिक घेरे में लाने के लिए प्रभावित करता है। जब विजय दावत के प्रति सामंत के कई सामानों को पकड़ने के लिए सफलतापूर्वक करा लेता है, तो सामंत उसे पैसे से पुरस्कृत करता है, जिससे विजय को अपने परिवार के लिए आलीशान घर खरीदने की अनुमति मिलती है। दावर के लिए अपने काम को जारी रखने के लिए विजय अपनी शिक्षा का भी त्याग कर देता है, ताकि रवि पढ़ाई कर सके। जैसे ही रवि ने पढ़ाई पूरी की है, तो पुलिस कमिश्नर DCP नारंग की बेटी वीरा नारंग को डेट करना शुरू कर दिया है। कमिश्नर के सुझाव पर पुलिस रवि में रोजगार के लिए आवेदन करता है, उसे प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है और कई महीने बाद उसे पुलिस द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। और जब इंस्पेक्टर का पद प्राप्त होता है, तब रवि लौटता है और अपना पहला काम बॉम्बे के लिए कुछ कट्टर अपराधियों को तस्करों को पकड़ना और गिरफ्तार करना होता है, जिसमें उसका भाई विजय भी शामिल है। उसे बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसने कभी भी अपने भाई को आपराधिक गतिविधियों से नहीं जोड़ा था। रवि को विजय को पकड़ने और पुलिस बल छोड़ने के बीच निर्णय लेना होगा। सबसे पहले रवि अपने भाई को गिरफ्तार करने के लिए हिचकिचाता है, लेकिन बाद में वह तब द्रवित हो जाता है जब दो रोटियां चुराने वाले एक लड़के को गोली मार देता है। उसे पकड़ने की कोशिश में जब पछतावाग्रस्त रवि लड़के के परिवार के पास जाता है, तो उन्हें कुछ खाना देता और अपना अपराध कबूल करता है। तो माँ रवि को डांटती है, जबकि लड़के के पिता उसे कमरे में वापस भेज देता है। पिता रवि को माफ़ कर देते हैं और अपने कर्तव्य को यह कहकर उचित ठहराते हैं कि लाख या भोजन की चोरी एक ही है, जो अंततः रवि को मामला उठाने के लिए सहमत होने के प्रेरित करता है। जब रवि को पता चलता है कि विजय ने अपराध से धन अर्जित किया है, तो उसने सुमित्रा के साथ बाहर जाने का फैसला किया है, जिससे विजय और रवि के बीच झगड़ा शुरू हो गया है। लगभग उसी समय आनंद एक ट्रेन के अंदर मृत पाया जाता है और अपने शरीर का अंतिम संस्कार विजय द्वारा किया जाता है। रवि अब सामंत और डावर दोनों गिरोह को एक सहयोगियों को मारने और गिरफ्तार करने में अपना कार्य पूरा करने का अवसर देता है। यहाँ तक कि दावर को भी रवि द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और अपने परिवार और अपने कई सहयोगियों को खोने के क्रोधित होकर विजय अनीता नाम की एक महिला के साथ रिश्ते में प्रवेश करता है, जिससे उसकी मुलाकात एक बार में होती है। जब अनीता विजय के बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है, तो विजय अंडरवर्ल्ड में अपना जीवन त्यागने का फैसला करता है, ताकि वह उससे शादी कर सके और अपने पापों को स्वीकार कर सके और सुमित्रा और रवि से माफ़ी मांग सके। तथापि सामंत और उसके गिरोह की मौत के बाद जो हुआ उसके बारे में सुनकर रवि अतिम संघर्ष में विजय से मिलता है और उससे भाग
भगाने से रोकने को खुद को आत्मसमर्पण करने का अनुरोध करता है। विजय ने मना कर दिया और एक मंदिर की ओर भागते समय रवि द्वारा उसकी बाह में घातक गोली मार दी गई, जहां वह सुमित्रा के साथ फिर से मिला और माफ़ी मांगी। विजय फिर सुमित्रा की बाहों में मर जाता है, जिससे बेहद टूट जाती है। लगभग उसी समय रवि मंदिर पहुंचता है और विजय के साथ जो हुआ उससे वह पूरी तरह से परेशान हो जाता है। फिर फिल्म का अंत पुलिस द्वारा रवि को न्याय दिलाने और अपराधियों को पकड़ने में उसकी सफल कार्यों के लिए उत्सव की मेज़बानी करने के लिए होता है। हालांकि रवि अभी भी विजय की हत्या के लिए पश्चाताप से भरा हुआ है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। रवि वर्मा के रूप में शशि कपूर है और युवा रवि वर्मा के रूप में राजू श्रेष्ठ है। विजय वर्मा के रूप में अमिताभ बच्चन है, अलंका जोशी एज यंग विजय वर्मा। वीरा नारंग के रूप में नीतू सिंह है, सुमित्रा देवी के रूप में निरूपा रॉय है, अनिता के रूप में परवीन बॉबी है, मनमोहन कृष्णा DCP नारंग के रूप में है, सावंत के रूप में मदनपुरी है, इफ्तिखार मुल्कराज टावर के रूप में है, आनंद वर्मा के रूप में सत्यसेन कप्पू है, जयचंद्र के रूप में सुधीर है, जगदीश राजेश चक्की है, एस राजकिशोर के रूप में दर्पण है, यूनुस परवेश के रूप में रहीम चाचा है, लच्छू के रूप में राजन वर्मा है, डीके शुप्रो श्रीमान के रूप में है। इसके अतिरिक्त विकास आनंद, मोहन शेरी, मानिकी रानी, कमल कपूर, AK हैंगल, दुलारी और सत्यदेव दुबे सभी छोटी सी कमियों भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। कोई मर जाए गाने में अरुणा ईरानी एक गेस्ट डांसर के तौर पर नजर आती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की उत्पादकता, कहानी और पटकथा के विषय में। फिल्म की पटकथा, कहानी और संवाद सलीम जावेद द्वारा लिखे गए थे। फिल्म के कथानक के लिए मुख्य प्रेरणा 1961 की दिलीप कुमार की फिल्म गूंगा जमुना 1961 थी, जिसमें कानून के विपरीत पक्षों पर दो भाइयों का एक समान आधार था, जिसमें मुख्य किरदार पर अपराधी भाई था अमिताभ बच्चन की भूमिका आंशिक रूप से महाभारत के कर्ण पर आधारित थी, जबकि शशि कपूर महाभारत के युधिष्ठिर से मिलते जुलते थे। इस प्रकार दीवार को गूंगा जमाना का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना जाता है। सलीम जावेद को श्रेय दिया गया कि गंगा जमुना के साथ साथ महबूब खान और मदर इंडिया दीवार के लिए मुख्य प्रेरणा थी, जिसे उन्होंने अपने विषयों पर अधिक शहरी दीवार मूवी के फैक्टर रिव्यूज दीवार 1975 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम फिल्म है। यह यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित और सलीम जावेद, सलीम खान, जावेद द्वारा लिखित है। इसमें शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, नीतू सिंह, निरूपा रॉय और परवीन बॉबी हैं। फिल्म गरीब भाइयों की एक जोड़ी की कहानी बताती है, जो अपने पिता के गलत आदर्शवाद के कारण अपने परिवार को धोखा देने के लिए बॉम्बे की मलिन बस्तियों में जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं और अंततः खुद को कानून के विरोधी पक्ष में पाते हैं। शीर्षक की दीवार वह दीवार है जो सामाजिक राजनीतिक उथल पुथल के समय में भाग्य और परिस्थितियों के कारण दो भाइयों के बीच उभरी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं यश चोपड़ा। यह फिल्म सलीम जावेद द्वारा लिखित है। इस फिल्म की उत्पादकता की है गुलशन रॉय ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, नीतू सिंह, निरूपा रॉय, परवीन बॉबी ने। इस फिल्म का छायांकन किया है KC ने। यह फिल्म TR मंगेशकर प्राण मेहरा द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी त्रिमूर्ति फिल्म प्राइवेट लिमिटेड है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 24 नवंबर 1975 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 176 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। बॉलीवुड में इसका बजट 36 करोड़ और US में 4.6 मिलियन के बराबर रहा है और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कमाई 210 करोड़ रुपए और US में 26 मिलियन के बराबर रहा है। रिलीज होने पर दीवार समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल रही है। फिल्म की पटकथा, कहानी और संगीत के साथ साथ अभिनय कलाकारों के प्रदर्शन, विशेष रूप से बच्चन, कपूर और रॉय के प्रदर्शन की प्रशंसा की है। इसे अक्सर एक अभूतपूर्व सिनेमाई उत्कृष्ट कृति मारा जाता है। इंडिया टाइम्स ने दीवार के शीर्ष 25 अवश्य देखे जाने बॉलीवुड फिल्मों के स्थान दिए हैं। साथ ही यह 1001 फिल्मों की सूची में शामिल होने वाली हिंदी भाषा की फिल्मों में से एक है, जिन्हें
आपको अवश्य देखना चाहिए। बनने से पहले फिल्म का भारतीय सिनेमा की साथ साथ व्यापक भारतीय समाज पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। फिल्म की सत्ता विरोधी विषय और बच्चन का आपराधिक नायक विरोधी सतर्क चरित्र दर्शकों के बीच गूंजता रहा है, जिसमें बच्चन की लोकप्रिय छवि एंग्री यमन के रूप में मजबूत हुई है। बॉलीवुड सिनेमा का फोबस ने फिल्म में बच्चन के प्रदर्शन को भारतीय सिनेमा के 25 महानतम अभिनय प्रदर्शन की सूची में शामिल किया है। इस फिल्म ने लेखक सलीम जोड़ी की सफलता को भी मजबूत किया है, जिन्होंने कई और ब्लॉकबस्टर फिल्में लिखी, लेकिन सलीम जावेद की बदौलत फिल्म लेखकों का मूल्य आसमान छू गया, जिन्हें उस समय की प्रमुख अभिनेताओं के बराबर ही भुगतान किया जाता है। दीवार का प्रभाव विश्व सिनेमा तक भी फैला है, जिसने हांगकांग और ब्रिटिश सिनेमा की फिल्मों को प्रभावित किया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म की शुरुआत ट्रेड यूनिवर्सिटीवादी आनंद वर्मा के मजबूत नेतृत्व के चित्रण से होती है, जो संघर्षरत मजदूरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। वह अपनी पत्नी सुमित्रा देवी, अपने दो छोटे बेटे विजय और रवि के साथ एक साधारण घर में रहते हैं। हालांकि चीजें तब और ख़राब हो जाती हैं जब आनंद को एक भ्रष्ट व्यवसायी द्वारा ब्लैकमेल किया जाता है, जो आनंद को अपनी विरोधी गतिविधियों को बंद नहीं करने पर उसके परिवार को मारने की धमकी देता है। अनुपालन के समय मजबूर होने पर आनंद पर उन्हीं मजदूरों द्वारा हमला किया जाता है, जो उसके विश्वासघात के लिए उसका मजाक उड़ाते हैं, जो इस बात से अनजान है कि ऐसा करने के लिए उन्हें ब्लैकमेल किया गया था। उनके परिवार पर भी नाराज कार्यकर्ताओं के अत्याचार किया है। शर्म के मारे आनंद ने शहर छोड़ दिया और सुमित्रा को गरीबी में अकेले अपने बेटों की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया। मेरा बाप चोर है यह नहीं पता और क्या करना है, सुमित्रा अपने बच्चों को मुंबई ले जाती और अपने बेटों की देखभाल के लिए दिहाड़ी मजदूर के रूप में संघर्ष करती है। जैसे जैसे लड़के बड़े होकर युवा बनते हैं, विजय अपने पिता की विफलता के प्रति तीव्र जागरूकता के साथ बड़ा होता है, क्योंकि वह अपने पिता की कथित कुकर्मों का शिकार बनाया गया था। अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रक्रिया में विजय एक बूथ पॉलिशर्स के रूप में शुरुआत करता है, बाद में एक डायकोर कार्यकर्ता बन जाता है। जब विजय गुर अपराधी सामंत के लिए काम करने के लिए अपने टकों की पिटाई करता है, तो यह सामंत के प्रतिनिधि में से एक मुल्क राज डबर को विजय को अपने आंतरिक घेरे में लाने के लिए प्रभावित करता है। जब विजय दावा के प्रति सामंत के कई सामानों को पकड़ने के लिए सफलतापूर्वक करा लेता है, तो सामंत उसे पैसे से पुरस्कृत करता है, जिससे विजय को अपने परिवार के लिए आलीशान घर खरीदने की अनुमति मिलती है। दावर के लिए अपने काम को जारी रखने के लिए विजय अपनी शिक्षा का भी त्याग कर देता है, ताकि रवि पढ़ाई कर सके। जैसे ही रवि ने पढ़ाई पूरी की है, तो पुलिस कमिश्नर DCP नारंग की बेटी वीरा नारंग को डेट करना शुरू कर दिया है। कमिश्नर के सुझाव पर पुलिस रवि में रोजगार के लिए आवेदन करता है, उसे प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है और कई महीने बाद उसे पुलिस द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। और जब इंस्पेक्टर का पद प्राप्त होता है, तब रवि लौटता है और अपना पहला काम बॉम्बे के लिए कुछ कट्टर अपराधियों को तस्करों को पकड़ना और गिरफ्तार करना होता है, जिसमें उसका भाई विजय भी शामिल है। उसे बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसने कभी भी अपने भाई को आपराधिक गतिविधियों से नहीं जोड़ा था। रवि को विजय को पकड़ने और पुलिस बल छोड़ने के बीच निर्णय लेना होगा। सबसे पहले रवि अपने भाई को गिरफ्तार करने के लिए हिचकिचाता है, लेकिन बाद में वह तब द्रवित हो जाता है जब दो रोटियां चुराने वाले एक लड़के को गोली मार देता है। उसे पकड़ने की कोशिश में जब पछतावाग्रस्त रवि लड़के के परिवार के पास जाता है, तो उन्हें कुछ खाना देता और अपना अपराध कबूल करता है। तो माँ रवि को डांटती है, जबकि लड़के के पिता उसे कमरे में वापस भेज देता है। पिता रवि को माफ़ कर देते हैं और अपने कर्तव्य को यह कहकर उचित ठहराते हैं कि लाख या भोजन की चोरी एक ही है, जो अंततः रवि को मामला उठाने के लिए सहमत होने के प्रेरित करता है। जब रवि को पता चलता है कि विजय ने अपराध से धन अर्जित किया है, तो उसने सुमित्रा के साथ बाहर जाने का फैसला किया है, जिससे विजय और रवि के बीच झगड़ा शुरू हो गया है। लगभग उसी समय आनंद एक ट्रेन के अंदर मृत पाया जाता है और अपने शरीर का अंतिम संस्कार विजय द्वारा किया जाता है। रवि अब सामंत और डावर दोनों गिरोह को एक सहयोगियों को मारने और गिरफ्तार करने में अपना कार्य पूरा करने का अवसर देता है। यहाँ तक कि दावर को भी रवि द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और अपने परिवार और अपने कई सहयोगियों को
खोने के क्रोधित होकर विजय अनीता नाम की एक महिला के साथ रिश्ते में प्रवेश करता है, जिससे उसकी मुलाकात एक बार में होती है। जब अनीता विजय के बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है तो विजय अंडरवर्ल्ड में अपना जीवन त्यागने का फैसला करता है ताकि वह उससे शादी कर सके और अपने पापा को स्वीकार कर सके और सुमित्रा और रवि से माफ़ी मांग सके। तथापि सामंत और उसके ग्रुप की मौत के बाद जो हुआ उसके बारे में सुनकर रवि अतिम संघर्ष में विजय से मिलता है और उससे भगाने से रोकने को खुद को आत्मसमर्पण करने का अनुरोध करता है। विजय ने मना कर दिया और एक मंदिर की ओर भागते समय रवि द्वारा उसकी बाह में घातक गोली मार दी गई, जहां वह सुमित्रा के साथ फिर से मिला और माफ़ी मांगी। विजय फिर सुमित्रा की बाहों में मर जाता है, जिससे बेहद टूट जाती है। लगभग उसी समय रवि मंदिर पहुंचता है और विजय के साथ जो हुआ उससे वह पूरी तरह से परेशान हो जाता है। फिर फिल्म का अंत पुलिस द्वारा रवि को न्याय दिलाने और अपराधियों को पकड़ने में उसकी सफल कार्यों के लिए उत्सव की मेज़बानी करने के लिए होता है। हालांकि रवि अभी भी विजय की हत्या के लिए पश्चाताप से भरा हुआ है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। रवि वर्मा के रूप में शशि कपूर है और युवा रवि वर्मा के रूप में राजू श्रेष्ठ। विजय वर्मा के रूप में अमिताभ बच्चन है, अलंका जोशी एज यंग विजय वर्मा। वीरा नारंग के रूप में नीतू सिंह है, सुमित्रा देवी के रूप में निरूपा रॉय है, अनीता के रूप में परवीन बॉबी है, मनमोहन कृष्णा DCP नारंग के रूप में है, सामंत के रूप में मदनपुरी है, इफ्तिखार मुल्कराज टावर के रूप में है, आनंद वर्मा के रूप में सत्यसेन कप्पू है, जयचंद्र के रूप में सुधीर है, जगदीश राजेश चक्की है, एस राजकिशोर के रूप में दर्पण है, यूनुस परवेश के रूप में रहीम चाचा है, लच्छू के रूप में राजन वर्मा है, डीके शुप्रो श्रीमान के रूप में है। इसके अतिरिक्त विकास आनंद, मोहन शेरी, मानिकी रानी, कमल कपूर, AK हैंगल, दुलारी और सत्यदेव दुबे सभी छोटी सी कमियों भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। कोई मर जाए गाने में अरुणा ईरानी एक गेस्ट डांसर के तौर पर नजर आती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की उत्पादकता, कहानी और पटकथा के विषय में। फिल्म की पटकथा कहानियों संवाद सलीम जावेद द्वारा लिखे गए थे। फिल्म के कथानक के लिए मुख्य प्रेरणा 1961 के दिलीप कुमार की फिल्म गूंगा जमुना 1961 थी, जिसमें कानून के विपरीत पक्षों पर दो भाइयों का एक समान आधार था, जिसमें मुख्य किरदार बड़ा अपराधी भाई था। अमिताभ बच्चन की भूमिका आंशिक रूप से महाभारत के कर्ण पर आधारित थी, जबकि शशि कपूर महाभारत के युधिष्ठिर से मिलते जुलते थे। इस प्रकार दीवार को गूंगा जमाना का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना जाता है। सलीम जावेद को श्रेय दिया गया कि गंगा जमुना के साथ साथ महबूब खान और मदर इंडिया दीवार के लिए मुख्य प्रेरणा थी।